लॉस ऑफ मोशन है ना। तो आज से स्टार्ट करेंगे अपन लॉस ऑफ मोशन। लॉस ऑफ मोशन कोई भी डाउट है अनम्यूट करो और बोलो, है ना। अनम्यूट कीजिए एंड देन आस्क योर डाउट्स। इन लॉज ऑफ मोशन फर्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट फोर्स। इन फर्स्ट टू और थ्री लेक्चर्स वी विल डिस्कस अबाउट द बेसिक्स ऑफ लॉज ऑफ मोशन। क्या क्या डिस्कस करेंगे? बेसिक्स। तो उसको क्या करना है, ट्राई टू अंडरस्टैंड दोज बेसिक्स। एक बार आपको समझ में आ गया देन चैप्टर जो है आपके लिए सिंपल हो जाएगा। फोर्स, देखो लेट्स से देयर इज अ ब्लॉक प्लेस्ड ऑन हॉरिजॉन्टल ग्राउंड। देयर इज अ ब्लॉक प्लेस्ड ऑन हॉरिजॉन्टल ग्राउंड एंड ब्लॉक इज एट रेस्ट। ब्लॉक किसमें? रेस्ट। आपने क्या किया? एक फोर्स अप्लाई किया लाइक दिस। क्या कर रहे हो आप? पुश कर रहे हो। ये ऐसा है फोर्स अप्लाई के सेट से, ये रेस्ट में पुश किया तो ये मूव करना स्टार्ट करेगा। अभी मूव करना स्टार्ट करेगा, पुश किया तो ये किस में आ गया? मोशन। इसकी कुछ वेलोसिटी आ गई, एक्सेलरेशन आ गया। मतलब ये लेट्स से वेलोसिटी ऑफ दिस ब्लॉक इज v, एक्सेलरेशन ऑफ दिस ब्लॉक इज a, इक्वल्स टू 0 पे ऐसे किसी भी टाइम t पे, जैसा किसी भी टाइम t पे जैसे आपने फोर्स लगाया। इनिशियली ये रेस्ट में था, अब ये मूव करना है स्टार्ट। फोर्स क्या कर रहा है? अगर सपोज यहाँ पे फ्रिक्शन होता, अभी फ्रिक्शन पर डिस्कस नहीं कर रहे, यहाँ पे फ्रिक्शन होता तो ये ट्राई करता इसको मोशन में लाने की। अगर यहाँ पे फ्रिक्शन होता तो ये क्या करता? ट्राई करता। अगर ये फ्रिक्शन को ओवरकम कर लेगा देन इन दैट केस ब्लॉक स्टार्ट एक्सेलरेटिंग। एक बार अगर ये फ्रिक्शन को ओवरकम कर लेगा तो ये एक्सेलरेट करना स्टार्ट करेगा। बट अगर यहाँ पे फ्रिक्शन को ओवर नहीं कम नहीं करेगा, ये ट्राई तो करेगा एटलीस्ट मूव करेगा, वो मूव नहीं करेगा बट ट्राई तो करेगा। तो फोर्स क्या करता है? फोर्स क्या करेगा? अगर कोई बॉडी रेस्ट में है उसको मोशन में लाएगा, या कोई बॉडी मोशन में है। सपोज अ बॉडी इज मूविंग अलोंग दिस डायरेक्शन विद सम वेलोसिटी, इस डायरेक्शन में ये मूव कर रहा है, तो अभी इस पे फोर्स लगा रहा है इस डायरेक्शन इक्वल्स टू 0 पे, ये सपोज ऐसा है, तो आफ्टर सम टाइम हो सकता है कि इसकी वेलोसिटी क्या हो जाए? 0। लेट्स से टी इक्वल्स टू टी पे ये किस में आ गया? किसी बॉडी को ये रेस्ट में भी ला सकता है, किसी बॉडी को ये मोशन में भी ला सकता है। फोर्स, अब देखिए फोर्स को यहाँ पे भी ये क्या कर रहा है, ये ऐसा था फोर्स लगा रहे ऐसा, ये इसको पुश कर रहा है। यहाँ पे भी ये इस डायरेक्शन में जा रहा है, फोर्स लगा रहे ऐसा, ये इसको क्या कर रहा है? पुश कर रहा है। दूसरा केस क्या हो सकता है? ये बॉडी ऐसी है, फोर्स लगा रहे इस डायरेक्शन में, रेस्ट में ही था, फोर्स लगा रहे इस डायरेक्शन में, मतलब अभी क्या कर रहा है? इसको पुल कर रहे हैं। इसको क्या कर रहे हैं? पुल कर रहे हैं। यहां पे फोर्स लगा रहे इस साइड, मतलब इस साइड से फोर्स लगा रहे हैं, तो इसको पुल कर रहे हैं इस साइड। किस टाइप का होगा? पुल टाइप। ये कैसा है? पुश टाइप। ये भी कैसा? पुश टाइप। तो कभी भी किसी भी बॉडी पे अगर फोर्स लगेगा तो वो कैसा लग सकता है? या तो फोर्स ऐसा होगा, ऐसा होगा, इस टाइप का होगा, पुश कर रहा होगा, या पुल कर रहा हो, टाइप का हो, टाइप का हो, टाइप का हो, टाइप का हो, टाइप। तो फोर्स किसी भी बॉडी को क्या करता है? या तो पुल करेगा या पुश। थर्ड केस पॉसिबल ही नहीं, थर्ड केस पॉसिबल ही नहीं,
कभी कभी क्या करेगा, ये शेप में चेंज भी करता है। फोर्स क्या करेगा, बॉडी के शेप में, बॉडी के शेप को क्या कर देता है, ये चेंज कर देता है, बॉडी के शेप को ये क्या करता है, चेंज कर देता है ना। लिखेंगे फोर्स एग्जैक्टली है क्या, फोर्स इज अ पुल और पुश विच फर्स्ट पॉइंट विच जेनरेट्स और टेंड्स टू जेनरेट मोशन इन अ बॉडी एट रेस्ट, इन अ बॉडी एट रेस्ट। फर्स्ट पॉइंट ये हो गई। सेकेंड, स्टॉप्स और टेंड्स टू स्टॉप a body in motion, a body in motion। थर्ड पॉइंट क्या हो जाए, डायरेक्शन में भी चेंज कर सकता है ना, बॉडी इस डायरेक्शन में आ रही, तुम फोर्स इस डायरेक्शन में लगा रहे हो, इसके डायरेक्शन में भी ये चेंज कर सकता है। नेक्स्ट लिख, चेंजेस और tries to change, tries to change the direction of, change the direction of, direction of a moving body, moving body। Fourth, changes or tends to change, I try to change the shape of the body, shape of the body। ये चीज क्लियर होनी चाहिए, किस टाइप का होगा, पुश टाइप और पुल टाइप, पुश टाइप और पुल टाइप। वो क्या क्या कर सकता है, कोई बॉडी रेस्ट में है तो उसको मोशन में ला सकता है, कोई बॉडी मोशन में उसको रेस्ट में ला सकता है, उसके डायरेक्शन को चेंज कर सकता है, उसके शेप को चेंज कर सकता है। क्लियर, कॉपी कर लीजिए।
यस टेंड्स टू चेंज द शेप ऑफ अ बॉडी, जब वो कभी होगा इलास्टिक होगा तभी, तभी पॉसिबल है वरना पॉसिबल नहीं है ना। यस सर डन डन सर, 1 सेकंड। नो सर, ओके पेट यस सर। एसआई यूनिट ऑफ फोर्स, नेक्स्ट लिखेंगे एसआई यूनिट ऑफ फोर्स, एसआई यूनिट ऑफ फोर्स क्या होगा? न्यूटन। सीजीएस यूनिट ऑफ फोर्स डाइन, और 1 न्यूटन इक्वल्स टू क्या होता है? 10^5 डाइन्स। अनदर यूनिट ऑफ फोर्स, another unit of force, forces kilogram force, another unit of force is kilogram force, इसको बोलते हैं kgf, kgf, kilogram force, 1 kilogram force equals to 10 newton, 10 newton, मतलब यहाँ पे 10 newton कभी आएगा? जब आप जी को लोगे 10 m/s² कभी आएगा ये 10 न्यूटन? जब भी आप लोगे 10 जी को, कितना वैल्यू आप तक जी की वैल्यू क्या कंसिडर कर रहे हैं? 10 m/s². अगर आपने जी को 9.8 m/s² कंसिडर किया देन इन दैट केस 1 kilogram फोर्स वुड बी 9.8 न्यूटन। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट फंडामेंटल फोर्सेस, बेसिक से है सर, फंडामेंटल फोर्सेस, देयर आर 4 फंडामेंटल फोर्सेस, ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, न्यूक्लियर फोर्स, वीक फोर्सेस, वीक फोर्सेस। ये जो 4 फोर्सेस है ये क्या है? फंडामेंटल फोर्सेस, ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, न्यूक्लियर फोर्स एंड वीक फोर्सेस। कैसे? ये फंडामेंटल फोर्सेस। सर कैन यू शो द अपर पार्ट? वेट ना, जस्ट वेट, ओके, लेट मी कंप्लीट दिस पेज, है ना, उसके बाद आप नोट करेंगे। एक बार मुझे कंप्लीट करने दीजिए इस पेज को, फिर मैं टाइम दूंगा, आप नोट कर लेना। तो फंडामेंटल फोर्सेस, ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, न्यूक्लियर फोर्स एंड वीक फोर्सेस, बहुत आइडिया हो जाना चाहिए इसका। ये किसके बीच लगेगा? ग्रेविटेशनल फोर्स ये है, इट इज द फोर्स ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन टू पार्टिकल्स ऑफ मासेस m1 एंड m2। दो पार्टिकल है जिसका कुछ मास है, उसके बीच जो फोर्स ऑफ इंटरेक्शन लग रहा है वो होगा ग्रेविटेशनल फोर्स।
किसकी वजह से लग रहा है? मास की वजह से। मास नहीं होगा, फोर्स एक्ट नहीं करेगा, तो वैसे फोर्स को क्या बोलेंगे? ग्रेविटेशनल फोर्स। इट इज द फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन, इट इज द फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन बिटवीन टू पार्टिकल्स ऑफ मासेस m1 एंड m2। m1 एंड, ये फोर्स जो है ग्रेविटेशनल फोर्स। सेकेंड पॉइंट, ग्रेविटेशनल फोर्स जो है लॉन्ग रेंज फोर्स सेपरेशन कितना भी हो ये फोर्स एक्ट करेगा। ये फोर्स जो होता है वो होता है अट्रैक्टिव इन नेचर। इसको ऐसे फोर्सेस को अपन डिटेल में पढ़ेंगे। कभी एक चैप्टर आएगा ग्रेविटेशन, वहां पे आएगा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, मैग्नेटिज्म, उसमें इसको स्टडी करेंगे। न्यूक्लियर फोर्स, न्यूक्लियर फिजिक्स जब पढ़ेंगे वहां पे आएगा ये। वीक फोर्सेस तो नॉर्मल है, यही सब फोर्स में, यही इसी सब फोर्स का आएगा। कहीं पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स वही हो जाएगा वीक फोर्स, वैसा आता है। बट ग्रेविटेशनल फोर्स इसको डिटेल में पढ़ेंगे अपन, एक चैप्टर आएगा ग्रेविटेशन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स इसको अपन पढ़ेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। न्यूक्लियर फोर्स न्यूक्लियर फिजिक्स में स्टडी करेंगे, और यही सब फोर्स का कुछ एग्जांपल होगा जो क्या होगा, वीक फोर्सेस, अट्रैक्टिव इन नेचर। और ये जो होता है वीकेस्ट फोर्स होता है, क्या होता है? वीकेस्ट फोर्स, इंडिपेंडेंट ऑफ मीडियम, मीडियम पे डिपेंड नहीं करता है। एयर में हो, वाटर में हो, कहीं पे भी हो, मास की वैल्यू m1 m2 है, उसका सेपरेशन बिटवीन दीज टू मासेस, अगर ये कॉन्स्टेंट है तो फोर्स की वैल्यू क्या होगी? कॉन्स्टेंट रहेगी। इंडिपेंडेंट ऑफ मीडियम बेसिक से ये। तो ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है? इट इज द फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन बिटवीन टू पार्टिकल्स ऑफ मासेस m1 एंड m2। कैसा फोर्स है? लॉन्ग रेंज फोर्स। थर्ड पॉइंट इसमें क्या आएगा? कैसा होता है? अट्रैक्टिव इन नेचर, रिपल्सिव होता ही नहीं है ये, अट्रैक्टिव होता है। वीकेस्ट फोर्स होता है इंडिपेंडेंट ऑफ मीडियम, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। चार्ज की वजह से ये फोर्स आता है, किसकी वजह से? चार्ज। लिखेंगे फोर्स एक्सर्टेड बाय वन पार्टिकल ऑन अदर्स बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। इसको क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। अट्रैक्टिव और रिपल्सिव कुछ भी हो सकता है। जैसे सेम चार्ज है तो रिपल्सिव होगा, ओपोजिट चार्ज है अट्रैक्टिव होगा। अट्रैक्टिव और रिपल्सिव कुछ भी हो सकता है। अट्रैक्टिव और रिपल्सिव, ये भी लॉन्ग रेंज फोर्स है। ये मीडियम पे डिपेंड करता है, मीडियम चेंज होगा फोर्स की वैल्यू चेंज होगी। डिपेंड्स ऑन मीडियम। कॉपी, सर। यस सर, केजीएफ इज इन व्हिच सिस्टम? कोई सिस्टम नहीं, जैसे ऐसा होता है ना, कॉमर्शियली कुछ यूनिट्स आती है उसमें मेजर करते हैं, है ना। जैसे अपन क्या क्या पढ़ते हैं, जैसे तुमने पढ़ा होगा इलेक्ट्रिक करंट में, करंट इलेक्ट्रिसिटी में एक यूनिट होती है एनर्जी की, किलो वॉट आवर। यस सर, यस। ये कोई ऐसा यूनिट तो नहीं है, कोई सीजीएस सिस्टम नहीं है, एमकेएस सिस्टम नहीं है, कुछ नहीं है, है ना। तो
कॉमर्शियल यूनिट होती है तो उसी पे बेस्ड है. अनदर यूनिट ऑफ फोर्स इज किलोग्राम फोर्स. किलोग्राम फोर्स तो कहीं पे अगर आपको केजीएफ दिखे तो 1 kgf की वैल्यू 10 न्यूटन का भी लेना है व्हेन जी इज 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. क्वेश्चन में अगर गिवन है जी इक्वल्स टू 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर देन इन दैट केस यू हैव टू टेक 1 kgf इक्वल्स टू 9.8 न्यूटन. 9.8 न्यूटन. ओके सर. सर एंड हाउ आर ग्रेविटेशन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस लाइक लॉन्ग रेंज इंफिनिटी पे तो जीरो हो जाएगा ना. हाँ तो लॉन्ग रेंज फोर्स है ना, ऐसा थोड़ी कि इन्फिनिटी पे तो जीरो होगा ही. तो ऐसा कहाँ बोला कि इसकी वैल्यू जीरो नहीं होगी. लॉन्ग रेंज फोर्स का मतलब ये है कि डिस्टेंस जैसा ऐसा कुछ होता है. शॉर्ट रेंज फोर्स मतलब कुछ पर्टिकुलर डिस्टेंस तक ही वो एक्ट करेगा, बट ये कुछ पर्टिकुलर डिस्टेंस तक एक्ट नहीं करेगा ना. इन्फिनिटी डिफाइन है क्या? इन्फिनिटी तो डिफाइन ही नहीं है ना. नो सर. सर लाइक मैग्नेटिक फोर्स इज शॉर्ट रेंज फोर्स दैट वेज. कौन सा सर? मैग्नेट्स शॉर्ट रेंज तो नहीं बताया मैंने. ऐसे वो डिपेंड करता है ना, मैग्नेट पे भी डिपेंड करता है ना. वो कैसा मैग्नेट है, क्या है, स्ट्रेंथ पे भी डिपेंड करता है ना. यस यस. न्यूक्लियर फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स डिफरेंट है. न्यूक्लियर फोर्स जो होता है वो किसके बीच एक्ट करेगा? न्यूक्लियर फोर्स जो एक्ट कर रहा होगा वो किसके बीच एक्ट कर रहा हो? ग्रेविटेशनल फोर्स के लिए मास का होना कंपलसरी है. ग्रेविटेशनल फोर्स इक्वल्स टू एफ इक्वल्स टू जी एम वन एम टू बाई आर स्क्वायर. आपने अगर पढ़ा होगा 9th-10th में ये होता है जी एम वन एम टू बाई आर स्क्वायर, है ना. और ये जो न्यूक्लियर फोर्स होता है ये किसके बीच एक्ट करेगा? तो देखो न्यूक्लियर फोर्स ये मतलब ये न्यूक्लियस में एक्ट कर रहा हो. तो न्यूक्लियस में क्या होता है? प्रोटोन एंड न्यूट्रॉन. अब ये बताओ प्रोटॉन प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज है? नहीं. न्यूक्लियस में इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं. न्यूक्लियस में इलेक्ट्रॉन नहीं, वो अलग है. न्यूक्लियर फोर्स में न्यूक्लियर फोर्स एक्ट कहां पे कर रहा होगा? न्यूक्लियस. न्यूक्लियस में क्या होता है? प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन. क्लियर? अब देखो न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज है नहीं, प्रोटॉन पे कैसा चार्ज है? पॉजिटिव चार्ज. अब पॉजिटिव चार्ज को एक साथ वो बाइंड करके रखा है, कोई ना कोई फोर्स तो होगा ना यार. पॉजिटिव चार्ज है रिपल्सिव फोर्स वैसे एक्ट करना चाहिए, तो उसके बीच का सेपरेशन इंक्रीज होना चाहिए, है ना. बट फिर भी क्या है, न्यूक्लियस तो न्यूक्लियस का रेडियस जो है वो तो फिक्स है ना. नहीं, एनर्जी आता है वो सब डिस्कस बाद में करेंगे. वो आता है, सब आता है, एनर्जी एनर्जी एंड ऑल आता है, आएगा वो सब आएगा, बट अभी नहीं है. वो कभी एनर्जी प्रोड्यूस करता है, कैसे प्रोड्यूस करता है, वो सब आएगा. अभी अगर मैं डिस्कस करूंगा तो थोड़ा ज्यादा हो जाएगा. क्या है ग्रेविटेशनल एनर्जी में क्या था? न्यूक्लियर चार्ज में समझा. Yes. क्योंकि उसकी उसके जी की जो वैल्यू होती है वो जी बहुत लार्ज होता है ना, उसका जो साइज होता है वो स्मॉल, साइज ज्यादा नहीं होता. रेडियस जो है वो क्या है? लेस. रेडियस जहां पे लेस होता है, ये क्वेश्चन है. फोटोन का जो मास होता है ना, रेस्ट मास जीरो होता है फोटोन का. देखो एक क्या होता है, पार्टिकल के अंदर दो मास, एक होता है रेस्ट मास और एक होता है डायनामिक मास. रेस्ट मास एंड डायनामिक मास, ठीक है. तो फोटोन का जो रेस्ट मास होता है ना, रेस्ट मास ऑफ फोटोन वो जीरो होता है, बट डायनामिक मास ऑफ फोटोन जीरो नहीं होता. डायनामिक मास का भी आता है व्हेन पार्टिकल्स आर इन मोशन. जब पार्टिकल मोशन में होता है तब उसका डायनामिक मास था, है ना. तो लाइट है तो लाइट ट्रेवल कर रहा है, मतलब उसकी कुछ ना कुछ स्पीड है. किसी भी मीडियम में स्पीड तो होगी, स्पीड है. तो जब स्पीड आएगा तो उसके पास मास भी आता है. उसके पास क्या आता है? मास भी आता है, ठीक है. उसकी वजह से क्या करता है? उसके पास डायनामिक मास आता है, इसलिए वो उसको अट्रैक्ट करता है. ये सब थियरी ऑफ रिलेटिविटी से रिलेटेड है ना, बट थोड़ा बहुत तो ये सब अपन पढ़ेंगे कैसे डायनामिक मास आता है, बट अभी नहीं. वो फिजिक्स का लास्ट टॉपिक होगा, है ना, मॉडर्न फिजिक्स.
जिसको आप क्वांटम फिजिक्स भी बोल सकते हैं, मॉडर्न फिजिक्स, तो उसमें ये सब आएगा, डायनामिक मास ऑफ फोटोन एंड ऑल। डन सर, डन डन सर, डन सर। नेक्स्ट, न्यूक्लियर फोर्स। नेक्स्ट क्या था? न्यूक्लियर फोर्स। It is the strongest force. ये strongest force होता है, because positive positive charge को क्या कर रहा है, एक साथ रख रहा है ना, तो मतलब ये कैसा force होगा, strongest force. Is the strongest force. Sir, electromagnetic force is weak or strong? Electromagnetic force, एक बार repeat करो क्या वो पूछे? Is weak or strong force? नहीं नहीं वो देखो सिर्फ डायरेक्टली उसमें अपन क्यों नहीं बोल रहे हैं कि वीक फोर्स और स्ट्रॉन्ग फोर्स। देखो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स जैसे क्या होता है, F equals to, आगे पढ़ोगे ये के क्यू वन क्यू टू अपॉन आर स्क्वायर। के की वैल्यू तो 9.10^9 होती है, बट ये इस पे भी डिपेंड करेगा, एम वन एंड एम टू पे भी डिपेंड करेगा, इट डिपेंड्स ऑन एम वन एंड एम टू। बट आप ग्रेविटेशनल फोर्स को डायरेक्टली क्यों बोल रहे हैं कि ये वीक फोर्स है, बिकॉज ग्रेविटेशनल फोर्स की वैल्यू ऐसी होती है जी एम वन एम टू बाई आर स्क्वायर। तो जी जो होता है ना, आपने ये आई थिंक 9th में तो पढ़ा ही, तो जी की जो वैल्यू होती है यूनिवर्सल, ये जी जो है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, वैल्यू ऑफ जी 6.67 × 10^-11। तो ये वैल्यू, ये जो वैल्यू है ये वेरी लेस, तो इसीलिए आप इसको डायरेक्टली आप बोल सकते हैं दो पार्टिकल के बीच जो फोर्स लग रहा है उसको ग्रेविटेशनल फोर्स आप बोलते हैं। तो उसमें आप बोल सकते हैं कि ये वीक फोर्स है, बिकॉज वैल्यू ऑफ जी इज वेरियस। बट इस केस में ये जो चार्ज होता है माइक्रो कूलम्ब में, 10^-6 भी हो सकता है, 10^-9 भी हो सकता है ना। जैसे इलेक्ट्रॉन पे अगर आप चार्ज को देखोगे, चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन क्या होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन इज 1.6 × 10^-19 कूलम। तो जब आप क्यू की वैल्यू इतना पुट करोगे, ये 9, ये 10^-19, 10^-10 हो जाएगा, है ना। तो किसी में ये वीक भी हो सकता है, किसी में स्ट्रांग भी हो सकता है, बट ये तो वीक ही रहेगा, ये वीक रहता है नॉर्मली, ये वीक रहता है, इसीलिए आप इसको वीक फोर्स बोलते हैं और इसको कैटेगराइज नहीं करते इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स को, ये वीक है या स्ट्रॉन्ग है, वो डिपेंड करता है, डिपेंड्स ऑन द मैग्नेट ऑफ चार्ज। ओके सर। न्यूक्लियर फोर्स, इट इज द स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स। नेक्स्ट, इट कीप्स न्यूक्लियॉन्स मतलब न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स टुगेदर inside the nucleus, together inside the nucleus, together inside the nucleus, it keeps nucleons together inside the nucleus. Weak force kya hoga, it acts between two elementary particles. कोई भी एलिमेंट्री पार्टिकल्स है, सब एटॉमिक पार्टिकल्स है, उसके बीच जो फोर्स लग रहा होगा वो कैसा फोर्स होगा, वीक फोर्स। जैसे आप इलेक्ट्रॉन को कंसीडर कर लीजिए और प्रोटॉन को कंसीडर कर लीजिए, तो इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज आएगा वो भी 10^-19 का पावर होगा, प्रोटॉन पे जो चार्ज आएगा वो भी 10^-19 का पावर होगा। उसके बीच जो फोर्स लग रहा होगा, सेपरेशन भी क्या है, उसके बीच जो फोर्स लग रहा होगा वो, उसकी वैल्यू क्या होगी, उसकी जो वैल्यू होगी वो तो लेस होगी ना, वैसे एलिमेंट्री पार्टिकल्स जो होंगे उसके भी जो फोर्स लग रहा होगा वो कैसा फोर्स होगा, वीक फोर्स। नेक्स्ट, क्लासिफिकेशन ऑफ फोर्स ऑन द बेसिस ऑफ कॉन्टैक्ट।
इस चैप्टर में ये आएगा. वीक फोर्स, न्यूक्लियर फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स इस चैप्टर में नहीं आया. बट फंडामेंटल फोर्स है, इसीलिए मैंने आपको थोड़ा बेसिक्स उसका बेसिक जो है वो बता दिया है. इस चैप्टर में ये आएगा क्लासिफिकेशन ऑफ फोर्स ऑन द बेसिस ऑफ कॉन्टैक्ट, ऑन द बेसिस ऑफ कॉन्टैक्ट. तो एक आता है फील्ड फोर्स, फील्ड फोर्स और नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, इसी को बोलते हैं नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स. कॉन्टैक्ट, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, क्या है फील्ड फोर्स और नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स. तो देखो ऑन द बेसिस ऑफ कॉन्टैक्ट मतलब ये एक दूसरे के कॉन्टैक्ट में है तभी कुछ फोर्स लग रहा होगा, या ऐसा कॉन्टैक्ट में है तभी फोर्स लग रहा होगा, एक ऐसा है तभी फोर्स लग रहा होगा. तो ये कैसा है नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस, यहाँ पे कैसे फोर्स लग रहे होंगे नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस. ये ऐसा कॉन्टैक्ट में है या ऐसा है, ये ऐसा है, यहाँ से कुछ फोर्स लगा रहे तो ये इस पे कुछ फोर्स लगाएगा, तो कैसा फोर्स लग रहा होगा इन दोनों के बीच, कॉन्टैक्ट फोर्स. ये ऐसा है तो अभी इन दोनों के बीच कैसा फोर्स लग रहा होगा, कॉन्टैक्ट फोर्स, क्योंकि ये दोनों कैसे है कॉन्टैक्ट में. उसके बेसिस पे अगर आप फोर्स को डिवाइड करोगे तो एक आएगा फील्ड फोर्स और नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स. तो ऐसे आप समझ लीजिए इसको, ऐसे समझो जैसे अर्थ, ये अर्थ, ये कोई ऑब्जेक्ट है, ये कोई ऑब्जेक्ट, आपने क्या किया इतनी हाइट से इसको ड्रॉप किया, तो ये किसके टुवर्ड्स आएगा, अर्थ के टुवर्ड्स आएगा. क्यों आएगा अर्थ के टुवर्ड्स, बिकॉज इस पे अर्थ जो है, यस अर्थ जो है इस पे फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी लगा रहा होगा, जिसको आप बोलते हैं F equals to m into g, कुछ आएगा ना जी, g की वैल्यू, जिसको आप वेट भी बोलते हैं, मैं इसको अलग से डिस्कस करूंगा, वेट होता है ये. तो F equals to mg का कुछ फोर्स होगा, ये सेंटर के टुवर्ड्स आएगा. क्यों आ रहा है ये फोर्स, कॉन्टेक्ट में है भी नहीं बट फिर भी ये अर्थ के टुवर्ड्स क्यों आ रहा है, क्योंकि ये इस पे फोर्स लगा रहा है, फोर्स लगा रहा है इसका, ये फोर्स लगा रहा है इसका मतलब यहाँ पे जो फील्ड होगी किसकी फील्ड होगी, अर्थ की फील्ड होगी. जैसे आपने कुछ ये तो पढ़ा है ना कि जैसे अगर आप अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर चले जाओ तो क्या उस पे ये mg लग रहा होगा क्या? नो सर नहीं. क्यों नहीं लग रहा होगा, बिकॉज फील्ड में हो ही नहीं ना, आप फील्ड में है ही नहीं, फील्ड में अगर नहीं रहोगे तो फोर्स एक्ट करेगा ही नहीं. तो ये जो नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है ये किसकी वजह से एक्ट कर रहा होगा, फील्ड की वजह से एक्ट कर रहा होगा, इसीलिए इस फोर्स को क्या बोलते हैं फील्ड फोर्स. इसलिए इस फोर्स को क्या बोलेंगे अपन, फील्ड फोर्स. तो फील्ड फोर्स के लिए क्या होगा, पार्टिकल कॉन्टेक्ट में नहीं होगा. जैसे ये पार्टिकल है, एक मास है m1 है और यहाँ पे ये m2 है, इसके बीच भी फोर्स लग रहा होगा, अट्रैक्टिव फोर्स, ये ऐसा अट्रैक्ट कर रहा है. तो ये इस पे फोर्स लगा रहा होगा, ये इस पे फोर्स लगा रहा होगा, ये ऐसे फोर्स लगा रहा होगा. F12 का मतलब है फोर्स ऑन वन ड्यू टू टू, फोर्स ऑन वन ड्यू टू टू, मतलब यहाँ पे कौन, यहाँ पे जो फोर्स लगा रहा है ये पार्टिकल लगा रहा है, इसका मतलब इसकी फील्ड होगी यहाँ पे तभी फोर्स लग रहा है. जैसे यहाँ पे जो फोर्स लग रहा है इस पे, इसकी फील्ड होगी यहाँ पे तभी इस पे फोर्स लग रहा है ना, अदरवाइज mg विल नॉट एक्ट ऑन दिस पार्टिकल. जब तक ये इसके फील्ड में नहीं होगा तब तक एक्ट करेगा ही नहीं. तो अभी देखो ये दोनों कॉन्टेक्ट में नहीं है बट फिर भी फोर्स एक्ट कर रहा है, तो ऐसे फोर्स को आप क्या बोलोगे, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस. ठीक है, ड्यू टू टू, या F21 लिखा, ये क्या हो जाएगा फोर्स ऑन टू ड्यू टू वन, ये कॉन्टेक्ट में नहीं है फिर भी एक्ट कर रहा है, तो ऐसे फोर्सेस को आप क्या बोलेंगे, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस या फील्ड फोर्स. क्लियर है? तो इसका एग्जाम्पल जो आता है, इसका एग्जाम्पल ये आता है ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ये सब फोर्स कैसा है फील्ड फोर्स, ये सब फोर्स कैसा है फील्ड फोर्स. एग्जाम्पल में क्या लिखेंगे अपन, ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, फोर्स कैसा है फील्ड फोर्स, फील्ड होगा तभी एक्ट करेगा. मैग्नेटिक इज आल्सो वन, हां एटसेट्रा लिख दिया ना, बहुत सारे फोर्सेस आएंगे ऐसा नहीं कि हुई है, कॉपी कर लो. सर कैन यू प्लीज रिपीट व्हाट विल बी द के का वैल्यू इन दैट फार्मूला? नहीं वो के
कि सब इन सबको कॉपी मत करो वरना फिर आगे कंफ्यूज होते रहोगे, कुछ नहीं करना है, ठीक है? वैसे बता रहा था, फिर डाउट्स आएगा सर के क्या है, क्यू क्या है, क्यू टू क्या है, जी क्या है, अभी सर दोस फोर फोर्सेस हैव द इंडिविजुअल चैप्टर्स लेटर. यस थ्री फोर नहीं थ्री, ये तो हर चैप्टर में आता ही रहेगा, किसी किसी चैप्टर में ये आता रहेगा, बट ये थ्री जो है न्यूक्लियर फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स एंड ग्रेविटेशनल फोर्स, इसका सेपरेट एक मतलब चैप्टर है, ये सब पढ़ेंगे अपन जैसे जैसे आएगा सब अपन डिस्कस करते जाए. सर कैन यू प्लीज गिव एग्जांपल ऑफ वीक फोर्स. एग्जांपल ऑफ कौन सा वीक फोर्स? तो अभी क्या बता रहा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन है ना, डन. सेकेंड आएगा कांटेक्ट फोर्स, इसमें जो है कांटेक्ट में होना क्या होगा कंपलसरी, इसमें क्या क्या आएगा कांटेक्ट फोर्स में? नॉर्मल रिएक्शन, नॉर्मल रिएक्शन, फ्रिक्शन, टेंशन. नॉर्मल रिएक्शन, फ्रिक्शन एंड टेंशन, नॉर्मल रिएक्शन. नॉर्मल फ्रिक्शन को अभी अपन स्टडी नहीं करेंगे, फ्रिक्शन का एक सेपरेट चैप्टर आया न्यू, जैसे अभी पढ़ रहे हैं अपन लॉज ऑफ मोशन, उसके बाद अपन पढ़ेंगे फ्रिक्शन, लॉज ऑफ मोशन एंड फ्रिक्शन करके होगा, तो लॉज ऑफ मोशन देन फ्रिक्शन, फ्रिक्शन को अपन बाद में स्टडी करेंगे. तो देखो नॉर्मल रिएक्शन एग्जैक्टली क्या है, जैसे आपने क्या किया, अ ब्लॉक इज प्लेस्ड ऑन हॉरिजॉन्टल ग्राउंड, अ ब्लॉक इज प्लेस्ड ऑन हॉरिजॉन्टल ग्राउंड, आपने क्या किया इसको ऐसे प्लेस्ड, क्लियर? ये बताओ इस पे कितना फोर्स लग रहा होगा, इस पे कुछ फोर्स लग रहा होगा, ये ऑब्जेक्ट है इस पे कोई फोर्स लगा रहा है? नो. अरे लगा रहा है ना, ये यहाँ पे है तो ग्राउंड लगाएगा, ये यहाँ पे है तो भी ग्राउंड अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है ना mg से. यस सर. यस mg तो लग रहा होगा ना यार, ये पार्टिकल यहाँ पे है, यहाँ पे, यहाँ पे, कहीं पे भी है, mg तो लग रहा होगा डाउनवर्ड डायरेक्शन, बट ये मूव कर रहा है क्या, इस पे एक फोर्स है डाउनवर्ड डायरेक्शन में, बट ये मूव कर रहा है क्या? नहीं मूव कर रहा है ना. It means net force acting on this particle would be
क्या होगा? जीरो. यस. अरे इसको छोड़, नेट फोर्स एक्ट कितना कर रहा मुझे, ऐसे रखना. क्या तुमको फील्स फोर्स जो है, तुम फोर्स को ऑब्जर्व कर सकते हो, मतलब फील कर सकते हो क्या कि तुम पे कोई फोर्स लग रहा है, कुछ प्रेशर लग रहा है? आया ना? यस इसका sir. मतलब ये ऑब्जेक्ट जो है इस पे फोर्स लगा रहा होगा, इसको यहाँ पे रख दिया, तो ये ऑब्जेक्ट जो है, ये ब्लॉक जो है, ये ब्लॉक यहाँ पे एक फोर्स लगा रहा होगा, ये जो स्लैब है वो यहाँ पे क्या लगा रहा होगा, एक फोर्स लगा रहा होगा ना डाउनवर्ड डायरेक्शन. तो जब भी क्या होता है, आप दो बॉडी एक दूसरे के कॉन्टेक्ट में होती है, देखो ये किसके कॉन्टेक्ट में है, ग्राउंड. अगर ये कॉन्टेक्ट में है ही नहीं, यहाँ पे रख दिया, इस पे है ही नहीं, यहाँ पे रख दिया, क्या ये ग्राउंड पे कोई फोर्स लगाएगा क्या? नो सर, कोई कॉन्टेक्ट फोर्स नहीं लगाएगा. तो क्या करता है नॉर्मल रिएक्शन, क्या मेजर करता है? इट मेजर्स हाउ स्ट्रॉन्गली द सर्फेसेस इन कॉन्टैक्ट आर pressed against each other. It measures how strongly the surfaces in contact are pressed against each other. मतलब क्या है, सिर्फ कॉन्टेक्ट में होना कंपल्सरी नहीं है, प्रेस करना भी कंपल्सरी. जैसे क्या है, तुमने ऐसे रख दिया, अभी ये प्रेस कर रहा होगा इसीलिए फोर्स ऑब्जर्व होगा. बट तुमने क्या किया, जैसे देखो यहां से फोर्स लगाया अपवर्ड डायरेक्शन में, तुम लिफ्ट कर रहे हो और ये इसको टच कर रहा है. ये क्या कर रहा है, इसको टच कर रहा है, बट तुम इसको लिफ्ट कर रहे हो, तुम फोर्स लगा रहे हो अपवर्ड डायरेक्शन में, तो टच कर रहा है. तो जब टच करेगा तो तुम कोई फोर्स ऑब्जर्व नहीं करोगे. ये लिफ्ट कर रहा है इस साइड, ये क्या कर रहा है, जैसे ऐसे समझ, मैं ऐसे बता रहा हूं, ये ब्लॉक है, ये ब्लॉक है, ये दोनों एक दूसरे के कॉन्टेक्ट में है नहीं है? यस सर. अब मुझे बताओ क्या कॉन्टेक्ट में है, तो अभी ये एक दूसरे को प्रेस कर रहा है क्या? नो सर. नो सर. नहीं ना, प्रेस नहीं कर रहा है अभी. तो प्रेस नहीं कर रहा है तो नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू, अभी नॉर्मल रिएक्शन बिटवीन दीस टू स्लैब्स विल बी जीरो, क्योंकि ये एक दूसरे को प्रेस नहीं कर रहा है. लेकिन अभी देखो मैं यहाँ पे फोर्स लगा देता हूँ, ऐसा यहाँ पे मैंने फोर्स लगाया, तो क्या अभी ये दोनों ब्लॉक मूव कर रहे हैं? इसका मतलब मैं जब इस पे फोर्स लगाऊंगा तो क्या ये इसको प्रेस कर रहा होगा अभी? यस सर. तो अभी इस इन दोनों के बीच नॉर्मल रिएक्शन आएगा, देयर विल बी सम नॉर्मल रिएक्शन बिटवीन दीस टू स्लैब्स, नॉर्मल रिएक्शन होगा. बट सिर्फ ऐसा ही है, तो ये एक दूसरे को प्रेस नहीं करेगा, प्रेस नहीं करेगा तो नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू जीरो हो जाएगी. वो अपन आगे देखेंगे जब सॉल्व करेंगे, जब इस पे क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे तो आ जाएगा वो नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू जीरो हो जाएगी, है ना? तो यहां से एक चीज समझ में आई कि कॉन्टेक्ट में होना कंपल्सरी नहीं है नॉर्मल रिएक्शन के लिए, सिर्फ कॉन्टेक्ट में होना कंपल्सरी नहीं है, वो एक दूसरे को प्रेस भी करना चाहिए, अदरवाइज नॉर्मल रिएक्शन वुड बी जीरो. तो जब वो एक दूसरे को प्रेस करेगा तभी नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू कुछ आएगी. ठीक है, फर्स्ट. सेकेंड पॉइंट, एक ऐसा फोर्स है, अब ये बताओ अगर ये अर्थ के कॉन्टेक्ट में है तो इसके जो मॉलिक्यूल्स होंगे, यहाँ पे जो मॉलिक्यूल्स है और अर्थ के अपर पार्ट, अपर अप जो टॉप सरफेस है उसका, वहां पे जो मॉलिक्यूल्स होगा उन दोनों के बीच कोई फोर्स लग रहा होगा. अरे तभी तो एक दूसरे के कॉन्टेक्ट में है ना यार. यस सर. तो यहाँ पे पार्टिकल्स के बीच फोर्स लग रहा है, तो ये कैसा फोर्स होगा? तो पार्टिकल के पे कुछ ना कुछ चार्ज है, तो बेसिकली जो फोर्स होता है कॉन्टेक्ट फोर्स, ये जो कॉन्टेक्ट फोर्स होता है वो आता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स की कैटेगरी में आ जाता है. कॉन्टेक्ट फोर्स किसकी वजह से आता है? तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स की वजह से आता है. तो जितने भी कॉन्टेक्ट फोर्सेस आएंगे, नॉर्मल रिएक्शन, फ्रिक्शन, टेंशन, ये सब कैसा फोर्स होगा? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स होगा. इसके जो पार्टिकल्स होंगे और ग्राउंड के जो पार्टिकल्स होंगे वो एक दूसरे पे फोर्स एग्जर्ट कर रहे होंगे, उसके बीच कुछ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, कुछ उस टाइप का, कुछ ना कुछ फोर्स लग रहा हो. तो ये कैसा फोर्स है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है. इट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, तो कॉन्टेक्ट फोर्स कैसा होगा? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स. नॉर्मल रिएक्शन हमेशा कैसा एक्ट करेगा? इट इज ऑलवेज इट एक्ट्स परपेंडिकुलर
to the contact surfaces. The contact surfaces. समझ लीजिए कैसा वो perpendicular है तो कैसा act करेगा. अब यहां से देखो ये block इसके contact में है, तो अगर सिर्फ आप block को draw कर रहे हो, ये block है और ये ground है ना, तो ये क्या कर रहा होगा, ये इसको press कर रहा होगा इस side, तो ये इस पे एक force लगाएगा इस direction. ये सरफेस है तो सरफेस के नॉर्मल, इट एक्ट्स परपेंडिकुलर टू द कॉन्टेक्ट सरफेसेस, मतलब नॉर्मल, तो ये ब्लॉक इस पे फोर्स लगाएगा इस डायरेक्शन में, रिएक्शन फोर्स या नॉर्मल रिएक्शन बोल दीजिए. मैं इसको एन और आर, एन से मैं रिप्रेजेंट करूंगा, आर से भी कहीं पे रिप्रेजेंट किया हो सकता है नॉर्मल रिएक्शन या रिएक्शन फोर्स. तो ये जो है इस पे इस डायरेक्शन में नॉर्मल रिएक्शन लगा रहा है, तो ये ब्लॉक ग्राउंड जो है इस ब्लॉक पे इस डायरेक्शन में नॉर्मल रिएक्शन लगाएगा, इस सरफेस पे लगा रहा होगा, तो आप ऐसा भी शो कर सकते हैं इस टाइप से भी, या आप ऐसा भी शो कर सकते हैं. वेक्टर है, वेक्टर को पैरेलली आप कहीं पे भी शिफ्ट कर सकते हैं, वेक्टर को पैरेलली आप कहीं पे भी शिफ्ट कर सकते हैं. तो कैसा होगा, नॉर्मल टू द कॉन्टैक्ट सर्फेसेस, ये इस पे फोर्स लगाएगा तो ये भी इस पे फोर्स लगाएगा. ऐसा ये नहीं है कि सिर्फ यही फोर्स लगा रहा होगा. अरे ये बताओ, अगर ये फोर्स सिर्फ लगा रहा होता तो ये क्या हो जाता, ये इस पे फोर्स अगर आप देखोगे तो इस पे नॉर्मल रिएक्शन इस डायरेक्शन में मैं बता रहा हूँ, अगर सिर्फ यही इस पे फोर्स लगा रहा होता एन, सिर्फ यही लगा रहा होता फोर्स एन, तो ये क्या हो जाता, थोड़ा सा ये स्लाइड हो जाता, इसका पोजीशन जो टॉप सरफेस थोड़ा शिफ्ट हो जाता. बट ऐसा होता है क्या, नहीं होता है ना, मतलब यहाँ पे जो फोर्स लगा रहा होगा जितना ये फोर्स लगाएगा इस पे उतना ये भी इस पे फोर्स लगाएगा जब तुम इसको प्रेस करोगे. तो ऐसा नहीं कि तुम सिर्फ इस पे फोर्स लगा रहे हो, तुम भी ऑब्जर्व करोगे कोई ना कोई तुम्हारे फोर्स का अपोज कर रहा है, कोई ना कोई तुम्हारे फोर्स का क्या कर रहा है, अपोज कर रहा है, मतलब तुम जितना फोर्स लगाओगे उतना वो भी फोर्स लगाएगा. ये ब्लॉक इस पे जितना फोर्स लगाएगा ये सरफेस भी इस ब्लॉक पे उतना ही फोर्स लगाएगा, तो नॉर्मल इस पे भी आएगा इस पे भी आएगा. बट अपन स्टडी किसके मोशन की करेंगे, ब्लॉक की, तो मैं हमेशा ब्लॉक को ड्रॉ करूंगा, इस ग्राउंड को ड्रॉ नहीं करूंगा. किसके मोशन की स्टडी करेंगे, ब्लॉक के मोशन की स्टडी करेंगे, तो सिर्फ मैं नॉर्मल रिएक्शन किस पे शो करूंगा, ब्लॉक पे, ग्राउंड पे नहीं. यहाँ पे तो बता रहा हूँ कि ये जितना ग्राउंड पे लगाएगा ग्राउंड भी उतना ही लगाएगा, बट ग्राउंड पे लगाने का, ग्राउंड के मोशन की तो स्टडी नहीं कर रहे, मुझे एक्सेलरेशन, नॉर्मल रिएक्शन, नेट फोर्स किसका फाइंड करना होगा, ब्लॉक का, तो मैं ब्लॉक पे शो करूंगा फोर्स. ठीक है, अब देखिए कुछ एग्जाम्पल समझ लीजिए नॉर्मल रिएक्शन, जैसे ये ब्लॉक ए बी, यहाँ पे फोर्स लग रहा है, फोर्स लग रहा है तो ये इसको प्रेस कर रहा होगा, प्रेस कर रहा होगा, तो अगर आप ए पे शो करेंगे तो ये बताओ ये इसको इस डायरेक्शन में प्रेस कर रहा है, तो ये इसको किस डायरेक्शन में प्रेस करेगा, ये तो मूव करना नहीं चाह रहा है ना, तो ये इसको इस साइड प्रेस कर रहा होगा. तो देखो ए जो है वो बी पे किस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा है, नॉर्मल इस डायरेक्शन में, तो बी जो है ए पे किस डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा, इस डायरेक्शन, ए बी पे फोर्स लगा रहा है इस डायरेक्शन में, तो बी ए पे फोर्स किस डायरेक्शन में लगाएगा, अपोजिट डायरेक्शन में, दोनों की वैल्यू सेम होगी, दोनों की वैल्यू सेम होगी. ग्राउंड भी इस पे लगा रहा होगा फोर्स, सपोज ग्राउंड जो है, ग्राउंड इस पे फोर्स किस डायरेक्शन में लगाएगा, ग्राउंड नॉर्मल टू द सर्फेस, कॉन्टेक्ट सर्फेस ही है तो ग्राउंड ऐसा फोर्स लगा रहा होगा, मैं इसको एन ए बोल दूं, और इस पे ग्राउंड कैसा फोर्स लगा रहा होगा, नॉर्मल इस डायरेक्शन. तो पहले आपको क्या करना है, आइडेंटिफाई करना है कि कॉन्टेक्ट सरफेस कौन कौन सा है, एक ये है और एक इसके लिए ये है और इसके लिए ये, तो इस पे कहाँ कहाँ पे फोर्स लग सकता है, कॉन्टेक्ट नॉर्मल रिएक्शन, यहाँ पे इसके लिए, यहाँ पे, इतना कॉपी करो, अभी कुछ एग्जांपल आएगा नॉर्मल रिएक्शन का, फिर समझ में आएगा आपको, कॉपी कीजिए इसको.
Sir, Yes. sir, are these the only three contact forces that exist, or are there more also? क्या पूछे एक बार फिर से रिपीट करो Sir, I'm थोड़ा asking, लाउडर. हाँ यस हाँ are these the only three contact forces that exist, or are there more also? थ्री 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 नॉर्मल Okay, रिएक्शन sir. फ्रिक्शन एंड टेंशन. Sir, and I did not understand how normal reaction is electromagnetic. ये पार्टिकल है ना यहाँ पे और यहाँ पे पार्टिकल है ना, Yes, sir. ये एक दूसरे के कांटेक्ट में होंगे ना, तो ये कांटेक्ट में होगा मतलब इसके बीच कुछ ना कुछ फोर्स तो लग रहा होगा ना यार, तभी तो कांटेक्ट में होगा, वरना कांटेक्ट में हो सकता है क्या? Sir, but electromagnetic के लिए we need charges, no? तो अरे ये कोई भी पार्टिकल है, कुछ भी है, उस पे चार्ज होगा या नहीं होगा? नेट चार्ज जीरो है, नेट चार्ज जीरो है, बट इट डजंट मीन कि उस पे चार्ज नहीं है. नेट चार्ज जीरो होने का मतलब पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज का जो मैग्नीट्यूड होगा वो इक्वल होगा, ऐसा थोड़ी कि इस पे चार्ज नहीं होगा. बट नेट चार्ज की वैल्यू जीरो होगी. किसकी वैल्यू जीरो होगी? नेट चार्ज. अच्छा ये किससे बना होगा? एटम मॉलिक्यूल्स. Yes, sir, yes. तो उसमें चार्ज होगा ना, एटम न्यूट्रल होता है, बट इसका मतलब ये थोड़ी कि उस पे चार्ज नहीं है. नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इक्वल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होता है, इसलिए न्यूट्रल है. बट अगर कोई दूसरा एटम आ जाए तो हो सकता है ना कि वो क्या हो, उसके बीच अट्रैक्शन या रिपल्शन कुछ तो हो सकता है, पॉसिबल है ना. जैसे Sir, ऐसा why will a neutral atom attract a, like a positive charge or something? न्यूट्रल अट्रैक्ट समझो, यहाँ पे ये ऐसा है, ये बताओ यहाँ पे ऐसा है, अब ये बताओ ये इलेक्ट्रॉन है ये इलेक्ट्रॉन है, हो सकता है ना किसके बीच रिपल्सिव फोर्स लग रहा हो, है Yes, sir. पॉसिबिलिटी है ना. न्यूट्रल है बट यहाँ पे भी सेम चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इक्वल्स टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, हो सकता है यहाँ पे भी वैसा ही है, बट ऐसा ये पॉसिबिलिटी है ना इसके बीच रिपल्सिव फोर्स. या अगर मान लो ये यहाँ पे जो पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पे जो पॉजिटिव चार्ज है ये इस पे भी तो फोर्स लगा रहा होगा, तो हो सकता है ना इसके बीच कोई फोर्स लग सकता है, न्यूट्रल है बट फिर भी फोर्स लग सकता है ना, Yes, sir. है ना, तो वो है इसलिए वो फोर्स कैसा होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक. Sir, all particles in nature are charged. Like, suppose we have a block of wood, उस पे कुछ चार्ज कुछ रहता है भी हमेशा. है, कुछ भी है, चार्ज का मतलब नेट चार्ज जीरो है, चार्ज मींस नेट चार्ज की वो न्यूट्रल है. न्यूट्रल का मतलब ये नहीं होता है कि चार्ज द वैल्यू ऑफ चार्ज इज जीरो, द वैल्यू ऑफ नेट चार्ज इज जीरो. ये न्यूट्रल का मतलब क्या है? नेट चार्ज इज जीरो, ऐसा नहीं कि चार्ज की वैल्यू जीरो है, नेट चार्ज जीरो है, नेट जो टोटल चार्ज है ना उसकी वैल्यू जीरो है. उसका मतलब ये होता है कि नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इक्वल्स टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, ये होता है उसका मतलब. इसमें पॉजिटिव भी है नेगेटिव भी है बट वो क्या है? न्यूट्रल है. क्या है? न्यूट्रल. सर, तो फिर थोड़ा बहुत इंटरेक्शन होता ही है चार्जेस के बीच में. अरे होगा ना, इंट्रैक्शन कैसे नहीं होगा. ओके 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 सर. डन सर. एक मिनट, क्या डाउट है? लर्न इफ यू ब्लॉक ऑन अ टेबल इट एक्सर्ट अ फोर्स ऑन इट ड्यू टू इट्स वेट एंड इन टर्न्स द टेबल विल आल्सो एक्सर्ट अपवर्ड फोर्स ऑन इट एंड दैट दैट फोर्स इज कॉल्ड नॉर्मल रिएक्शन. हाँ वो भी करेक्ट है बट देखो एग्जैक्टली क्या होता है, जब तक वो प्रेस नहीं करेगा ना, इस ये फोर्स नहीं लगा रहा है, इसका वेट है, वेट की वजह से फोर्स लग रहा होगा इस पे, है ना? करेक्ट. यस सर. वेट की वजह से इस पे फोर्स लग रहा होगा, तो वेट की वजह से फोर्स लग रहा होगा मतलब ये क्या कर रहा है? ये इसको प्रेस कर रहा है. जब प्रेस करेगा तो उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में क्या लगेगा, मतलब जब ये प्रेस करेगा मतलब ये इस पे नॉर्मल लगा रहा है, ये भी इस पे नॉर्मल लगा रहा है. वेट तो एक अलग ही आएगा, यहाँ पे मैं वेट शो करूंगा जब आपको फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करने के लिए बताऊंगा तभी आएगा, इससे पहले नहीं बताऊंगा मैं कुछ.
अभी देखिए नॉर्मल रिएक्शन थोड़ा ड्रॉ कर देख लीजिए आप सी को, नॉर्मल रिएक्शन कैसा आएगा। ए बी सर कॉन्टैक्ट फोर्स का एग्जाम्पल दे रहे हो ना? यस यस ओके। अभी मुझे यहाँ पे ड्रॉ करना है तो मैं ए को ड्रॉ कर, देखो ये प्रेस कर रहा होगा इसको, ये प्रेस कर रहा होगा तो बी जो है इस पे फोर्स लगाएगा इस डायरेक्शन, बी जो है इस पे कॉन्टैक्ट फोर्स इस डायरेक्शन में लगाएगा तो एन ए बी लिख देता हूँ। नॉर्मल एक्शन ऑन ए ड्यू टू बी, बी पे अगर आप ड्रॉ करोगे तो ये भी इस पे फोर्स लगा रहा होगा कॉन्टैक्ट फोर्स इस डायरेक्शन में, नॉर्मल एक्शन ऑन बी ड्यू टू ए, अच्छा इस पे ग्राउंड भी लगा रहा होगा, ये क्लियर है क्या? यस सर। देखो ये इसको प्रेस कर रहा है तो ये इस पे फोर्स लगाएगा, ये भी इस पे फोर्स लगाएगा। नॉर्मल एक्शन हमेशा जो होता है वो एक्शन और रिएक्शन पेयर फोर्स होता है, जब मैं न्यूटन्स थर्ड लॉ बताऊंगा तभी वहां पे नोट करके ये पॉइंट जो है ना तुम ये इस पॉइंट को भी नोट कर लेना वहां पे, वैसे भी मैं बता ही दूंगा। बट देखो यहाँ पे क्या होता है, जितना ये फोर्स लगाएगा ना नॉर्मल उतना ये भी नॉर्मल लगाएगा इस पे, तो अभी ये इस ए पे कौन सा नॉर्मल लगेगा तो नॉर्मल फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी इस डायरेक्शन में लगाएगा और ये इस पे इस डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा, सेकंड ग्राउंड के कांटेक्ट में दिया तो ग्राउंड भी इस पे फोर्स लगाएगा इस डायरेक्शन, नॉर्मल है सर। इस पॉइंट पे कांटेक्ट में है, इस पॉइंट पे कांटेक्ट में है। नॉर्मल ड्रॉ करना है आपको, इसका सेंटर यहाँ पे नॉर्मल, देखो ये कांटेक्ट में है तो ये जो सरफेस है ये इस पे नॉर्मल लगाएगा, ये सरफेस यहाँ पे भी नॉर्मल लगाएगा तो नॉर्मल की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो नॉर्मल जो होता है अगर कोई सर्कल है उस पे अगर नॉर्मल आप ड्रॉ करोगे तो नॉर्मल हमेशा किसे पास होता है, नॉर्मल पासेस थ्रू द सेंटर ऑफ द सर्कल है ना, सेंटर से इसको मैं ए असूम कर लेता हूँ, ये बी तो यहाँ पे एक नॉर्मल लग रहा होगा और वो सेंटर से पास होगा, मतलब इस लाइन के अलोंग होगा नॉर्मल एन ए, और यहाँ पे जो नॉर्मल है यहाँ पे लग रहा होगा बी पे, ये साइड नॉर्मल एन बी, ये दो पॉइंट यहाँ पे कांटेक्ट में है यहाँ पे कांटेक्ट में, तो ये ग्राउंड ये सरफेस जो है सरफेस नॉर्मल इस साइड लगाएगा किसके टूवर्ड्स, सेंटर के टूवर्ड्स, और यहाँ पे नॉर्मल लगाएगा किसके टूवर्ड्स, सेंटर के टूवर्ड्स, यहाँ पे एक ब्लॉक मास है, ये इंक्लाइंड प्लेन है फिक्स्ड है, तो डायरेक्शन ऑफ नॉर्मल ऑन दिस ब्लॉक, इस ब्लॉक पे नॉर्मल को शो कीजिए आप, नॉर्मल कैसा होगा, इस पे भी इंक्लाइंड प्लेन पे भी आप शो कर सकते हैं नॉर्मल, अभी कहाँ पे मैंने बोला रिजॉल्व थोड़ी करना है, अभी सिर्फ नॉर्मल को शो करना है, बताऊंगा कैसे रिजॉल्व करना होता है क्या होता है, तो यहाँ पे ऐसा है ये सरफेस है ना कॉन्टेक्ट सरफेस, तो ये इसको इस डायरेक्शन में प्रेस कर रहा होगा तो ये इस पे नॉर्मल लगाएगा, सरफेस के पोपेंडिकुलर होगा कॉन्टेक्ट सरफेस, ये इसके पोपेंडिकुलर मतलब इस डायरेक्शन, इसके पोपेंडिकुलर मतलब इस डायरेक्शन, पोपेंडिकुलर है ये नॉर्मल इस साइड लगाएगा, अगर मैं इस पे शो करूं नॉर्मल को ग्राउंड के साथ मैं शो कर रहा हूं तो इस पे नॉर्मल ऐसा लग रहा है, क्लियर है, कॉपी कर लीजिए इसको, नोट कर लो यार,
सर डन ए यहाँ पे कांटेक्ट पे है, यहाँ नॉर्मल ड्रॉ कीजिए तो यहाँ पे नॉर्मल कैसा हो, सेंटर यहाँ पे कांटेक्ट में और यहाँ पे, तो नॉर्मल क्या होगा, परपेंडिकुलर टू दिस सरफेस, तो किससे पास होगा, सेंटर से पास होगा, यानी ये सर ये एक रॉड है, इस पे नॉर्मल ड्रॉ करना है, ए बी नॉर्मल का डायरेक्शन क्या हो, ये ऐसा हो, एक ही पॉइंट यहाँ पे कांटेक्ट में, यहाँ पे जैसे ये पॉइंट कांटेक्ट में, यहाँ पे ये पॉइंट कांटेक्ट, नॉर्मल ड्रॉ कर, नॉर्मल हमेशा क्या होता है, सरफेस के परपेंडिकुलर होता है, देखो यहाँ पे जो कॉन्टेक्ट सरफेस है ये ऐसा है, यहाँ पे जो है ये ऐसा है, तो नॉर्मल कैसा लगेगा, इसके परपेंडिकुलर एन ए, इस सरफेस के परपेंडिकुलर एन बी, एन ए क्लियर, नॉर्मल रिएक्शन आपसे हो जाएगा है ना, कैसे नॉर्मल रिएक्शन एक्ट कर रहा है वो क्लियर होना चाहिए। नेक्स्ट टेंशन, इस टाइप का फोर्स है, कॉन्टैक्ट फोर्स है तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक होगा, इट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स, ये कभी आएगा, तो ये किस में होता है, स्ट्रिंग में, वायर, स्ट्रिंग, वायर, रॉड, रिंग, रोप, इन सब में आता है टेंशन, और ये टेंशन कभी अराइज होगा, जब आप स्ट्रिंग को पुल करोगे ना तभी, इट अराइजेस when a string is pulled, when a string is pulled, ये tension किसमें आएगा, string इसमें tension आएगा, wire में tension होगा, ring में tension होगा, rod में tension आएगा, rope में tension आएगा, इन सब में क्या आएगा, इन सब में कैसा force आता है, tension, इन सब में force कैसा होएगा, tension, और ये जो टेंशन है किस टाइप का फोर्स है, इट इज अ पुल टाइप फोर्स, इट इज अ पुल टाइप फोर्स, पुल टाइप फोर्स, इट इज अ पुल टाइप फोर्स, अब कैसा होता है समझ लो एक बार, जैसे ये एक स्ट्रिंग है, ये क्या है, एक स्ट्रिंग है और यहाँ पे एक ब्लॉक लगा दिए, ये एक स्ट्रिंग है, एक ब्लॉक है, कुछ मास होगा, तो अभी ये क्या कर रहा होगा, टेंशन, टेंशन क्या कर रहा होगा, अभी ये स्ट्रिंग को क्या कर रहा है, ये ब्लॉक पुल कर रहा है, तो ये ब्लॉक पुल कर रहा है तो इसमें टेंशन आएगा, टेंशन आएगा तो अगर आप टेंशन को ड्रॉ करोगे यहाँ पे, तो जैसे ये ब्लॉक है और यहाँ पे एक स्ट्रिंग है, तो पहले ऐसे ड्रॉ कर दिया, टेंशन किस टाइप का फोर्स है, पुल टाइप फोर्स है, तो टेंशन जो इसमें लग रहा होगा इस स्ट्रिंग में, वो इसको पुल कर रहा होगा, पुल कर रहा होगा तो फोर्स किस डायरेक्शन में लग रहा होगा, अपवर्ड डायरेक्शन, अगर मैं यहाँ पे इसको इसको ड्रॉ करूं, इस वाले पार्ट को अगर मैं यहाँ पे ड्रॉ करूं, सिर्फ इतने पार्ट को, तो यहाँ पे एक स्ट्रिंग है, ये स्ट्रिंग इस इसको क्या कर रहा होगा, इस सपोर्ट को ये स्ट्रिंग क्या कर रहा होगा, पुल कर रहा होगा, क्या कर रहा होगा, पुल कर रहा होगा, पुल टाइप फोर्स है, इस साइड टेंशन, इस वाले पार्ट में टेंशन, यहाँ पे इस वाले पार्ट में टेंशन की वैल्यू इस साइड होगी, टेंशन किस टाइप का फोर्स है, पुल टाइप फोर्स, इसके लिए टेंशन ये है, इसके लिए टेंशन ये, क्योंकि ये क्या कर रहा है, पुल कर रहा है, तो यहाँ पे एक स्ट्रिंग बना दिया, इसमें टेंशन है, डायरेक्शन शो कर दिया, इस टाइप का फोर्स है पुल टाइप फोर्स, कॉपी करो इतना पहले, आगे मैं बताता हूँ। सर
In the second case, the string is not being pulled, so how is tension coming then? किस केस में? Second case में pull नहीं हो रहा है. Second case. ये बताओ, जब इस string को यहाँ पे ये mass क्या कर रहा है? इसको pull कर रहा है क्या? इस string को pull कर रहा है ना mass? अरे ये mass क्या कर रहा है? String को pull कर रहा है ना? Yes, तो ये pull कर रहा है तो ये string taut होगी ना, हर जगह पे कुछ ना कुछ value force तो लग रहा होगा ना यार. कॉपी करो, इतना पहले तुम कॉपी करो, इतना पहले तुम कॉपी करो, फिर समझ में आएगा. कॉपी करो इसे. सर कैन यू शो द अपर पार्ट वन? सर नॉर्मल रिएक्शन पुल टाइप और पुश टाइप दोनों होगा ना? नहीं, नॉर्मल एक्शन जनरली सरफेस के परपेंडिकुलर है तो वो हमेशा पुश करता है. पुल क्या करेगा? देखो ये यहाँ पे जो नॉर्मल एक्शन लग रहा होगा ये कैसा लग रहा होगा? इस सरफेस पे ऐसा लग रहा होगा ना? यस. ये पॉइंट पे ये बॉडी जो है इस सरफेस पे ऐसा, और ये पॉइंट पे ये ग्राउंड कैसा लग रहा होगा? ऐसा लग रहा होगा. ये क्या कर रहा है? पुश कर रहा है ना? यस सर. है ना, पुश कर रहा है ऐसा. बट हमेशा परपेंडिकुलर लगा देना ना सरफेस पे, बस. इसमें पुश और पुल तो इतना कुछ नहीं है, सिर्फ टेंशन में वो इम्पोर्टेंट है कि पुश है या पुल है, वरना डायरेक्शन चेंज हो जाएगा फोर्स का. इसमें तो हमेशा अपने को पता है सरफेस के परपेंडिकुलर लगे, सरफेस के परपेंडिकुलर लगे. टेंशन जो है वो पुल टाइप फोर्स, टेंशन इज अ पुल टाइप फोर्स. ओके सर. डन सर. फिर से समझो यार ये बताओ, यहाँ पे ये स्ट्रिंग, इस स्ट्रिंग को ये ब्लॉक क्या कर रहा है? पुल कर रहा है. यस सर. स्ट्रिंग को ये ब्लॉक पुल कर रहा है तो स्ट्रिंग में टेंशन आ जाएगा. यहाँ पे स्ट्रिंग क्या है? स्ट्रिंग इज टॉट. तो इसका मतलब इसमें टेंशन की वैल्यू नॉन जीरो, मतलब टेंशन कुछ ना कुछ होगा. ठीक है, तो यहां पे अभी यहां से देखोगे, अगर मैं यहां पे शो करूं ये ब्लॉक को, तो यहां पे स्ट्रिंग इस साइड थी तो इस साइड ड्रॉ कर दिया. स्ट्रिंग किस साइड है? इस साइड है तो मैंने इस साइड ड्रॉ कर दिया ऐसे. ठीक है, अब यहाँ पे क्या है? टेंशन तो लग रहा होगा स्ट्रिंग में. स्ट्रिंग इस साइड है तो स्ट्रिंग पे जो फोर्स होता है वो कैसा होता है? टेंशन. और टेंशन किस टाइप का फोर्स है? पुल टाइप फोर्स. टेंशन इसको पुल कर रहा हो. अभी मैं इसको ड्रॉ करूं यहां इतने पार्ट, ये इस पार्ट को मैं यहां पे ड्रॉ करूं, इस पार्ट को अगर मैं ड्रॉ करूं यहां पे, तो देखो यहाँ पे स्ट्रिंग है. स्ट्रिंग पे जो फोर्स लग रहा होगा किस टाइप का फोर्स होता है? पुल टाइप फोर्स. इस साइड लगेगा, अरे टेंशन इस साइड लगेगा तभी तो पुल होगा ना यार. कुछ आ रही है बात समझ में? यस सर. क्या लिखा है वहां पे? इट अराइजेस व्हेन अ स्ट्रिंग इज पुल्ड. स्ट्रिंग को पुल करना है तो ये ब्लॉक स्ट्रिंग को पुल कर रहा है, मतलब इसमें टेंशन आएगा. तो जब आप इतना इसका इस ब्लॉक के साथ टेंशन को शो करेंगे तो इसके लिए क्या आएगा? यहाँ पे एक स्ट्रिंग बना दिया, टेंशन पुल कर रहा हो फोर्सेस डायरेक्शन में. यहाँ का मैं अगर मैं शो करूं तो यहाँ पे एक स्ट्रिंग ऐसे ड्रॉ कर दिया टेंशन डायरेक्शन. बेसिकली स्ट्रिंग ने टेंशन का डायरेक्शन है, ये भी क्या है? टेंशन का डायरेक्शन, टेंशन का डायरेक्शन. देखते पहले स्ट्रिंग जो होगी वो कैसी होगी. स्ट्रिंग एक होगी अपनी आइडियल स्ट्रिंग, आइडियल स्ट्रिंग, और एक नॉन आइडियल मतलब प्रैक्टिकल स्ट्रिंग, नॉन आइडियल स्ट्रिंग. स्ट्रिंग कैसी है? मासलेस स्ट्रिंग इज.
आइडियल स्ट्रिंग कैसी होगी? मासलेस, फ्रिक्शनलेस, स्मूथ, इनएक्सटेंसिबल, मतलब यू कांट चेंज द लेंथ ऑफ स्ट्रिंग. मतलब एल की वैल्यू क्या होगी? लेंथ ऑफ स्ट्रिंग क्या होगा? लेंथ ऑफ स्ट्रिंग ये कांस्टेंट रहेगा. लेंथ ऑफ स्ट्रिंग क्या रहेगा? कांस्टेंट. तो आइडियल स्ट्रिंग कैसी होगी? मासलेस, फ्रिक्शनलेस, इनएक्सटेंसिबल. इनएक्सटेंसिबल अगर ये ऐसा है तो टेंशन टेंशन रिमेन्स सेम थ्रू आउट द स्ट्रिंग. रिमेन्स सेम थ्रू आउट द स्ट्रिंग. पूरे स्ट्रिंग में टेंशन की वैल्यू क्या होगी? सेम होगी. वो अभी चेक भी करूंगा मैं कैसे सेम होगा. और इस केस में क्या है, इसमें मास भी होगा, रफ भी होगी वो स्ट्रिंग. इनएक्सटेंसिबल हो सकती है, नहीं हो सकती है, वो डिपेंड कर रहा है. बट टी की वैल्यू क्या होगी? ये कांस्टेंट नहीं होगा. टी जो है कांस्टेंट नहीं होगा इस केस. टी जो है हर पॉइंट पे टी की वैल्यू क्या होगी? डिफरेंट, बिकॉज मास है स्ट्रिंग का. तो अगर स्ट्रिंग कैसी है? आइडियल है, मतलब मासलेस, फ्रिक्शनलेस, इनएक्सटेंसिबल. देन इन दैट केस टेंशन रिमेन सेम थ्रू आउट द स्ट्रिंग. नॉन आइडियल के केस में क्या होगा? मास भी होगा उस स्ट्रिंग का, रफ भी होगा, तो उस केस में टेंशन की वैल्यू, अच्छा रफ होना कंपलसरी नहीं है, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, बट मास होना कंपलसरी है ना. नॉन आइडियल स्ट्रिंग में मास का होना कंपलसरी है, तो उस केस में टेंशन की वैल्यू क्या होगी? डिफरेंट होगी. हर पॉइंट पे टेंशन की वैल्यू डिफरेंट होगी. इसको ऐसे समझेंगे, एक एग्जाम्पल लेता हूँ. जैसे देखिए ये एक स्ट्रिंग ले लिया, ठीक है, यहाँ पे सपोज एक फोर्स लग रहा है इस पॉइंट पे, यहां से यहां तक ये स्ट्रिंग है. और ये कैसी स्ट्रिंग है? मासलेस स्ट्रिंग, मतलब आइडियल मासलेस. जब तक क्वेश्चन में मास गिवन नहीं हो, जब तक क्वेश्चन में मास गिवन नहीं हो स्ट्रिंग का, आपको कैसा अज्यूम करना है? आइडियल स्ट्रिंग अज्यूम करना. क्वेश्चन में मास गिवन है मतलब नॉन आइडियल, मासलेस. तो अगर मुझे सपोज यहां पे फाइंड करना है, यहाँ पे मुझे टेंशन फाइंड, यहाँ पे भी मुझे टेंशन फाइंड करना. मैं इस पॉइंट को ये अस्यूम कर लेता हूँ, इसको भी मुझे यहाँ पे टेंशन फाइंड करना है. एक बार देख लो, ये ऐसा है, ये फोर्स है, इस डायरेक्शन में फोर्स एफ लग रहा है. टेंशन किस टाइप का फोर्स होता है? पुल टाइप फोर्स होता है, वो पुल करता है. तो इस पॉइंट पे अगर मैं इतने का, इसको फ्री बॉडी डायग्राम बोलते हैं, बट अभी इतना नहीं जाना, तो मैं इतने इसको सिर्फ ड्रॉ कर रहा हूँ यहाँ से यहाँ तक. तो इस पॉइंट को ये इस डायरेक्शन में से पुल कर रहा है. टेंशन किस टाइप का फोर्स होता है? पुल टाइप फोर्स. ये हो जाएगा टी ए. अब देखो इसका मास, इस वाले स्ट्रिंग का मास क्या है? जीरो है. तो आप क्या लिखोगे? नेट फोर्स क्या होता है? ये तो पहले पढ़ा ना, नेट फोर्स इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन. वैसे इस चैप्टर में भी आएगा. ये पढ़ा है क्या? ये आता है आपको एफ इक्वल्स टू एम इनटू ए. यस सर, यस सर, है ना. वैसे इस चैप्टर में आएगा ये एफ इक्वल्स टू एम इनटू ए. तो यहाँ पे नेट फोर्स क्या होता है? मास इनटू एक्सेलरेशन होता है. तो नेट फोर्स क्या है? इसको अगर मैं पॉजिटिव लू तो ये क्या नेगेटिव हो जाएगा. ये पॉजिटिव एक्स में है तो ये नेगेटिव एक्स में. तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या? एफ माइनस टी ए. ये जीरो है, मास जीरो है, तो एक्सेलरेशन ये पूरा टर्म जीरो हो जाएगा. तो यहाँ से एफ माइनस टी ए की वैल्यू जीरो हो गई. तो यहाँ से एफ क्या आ जाएगा? एफ इक्वल्स टू टी ए आ गया. अगर मैं इस पार्ट को मैं यहाँ पे ड्रॉ करूँ तो देखिए यहाँ पे ए बी है. टेंशन किस टाइप का फोर्स होता है? पुल टाइप फोर्स. तो यहाँ पे टेंशन इस डायरेक्शन में इसको पुल कर रहा होगा, और यहाँ पे टेंशन इसको इस डायरेक्शन में पुल कर रहा होगा. यहाँ पे टेंशन इसको इस डायरेक्शन में पुल कर रहा होगा, यहाँ पे टेंशन इसको इस डायरेक्शन में पुल कर रहा होगा. ऐसा नहीं कि सर यहाँ पे तो टेंशन की वैल्यू इस डायरेक्शन में थी, अभी इस डायरेक्शन में कैसे हो गई? कौन सा पार्ट कंसिडर कर रहे हैं ये इंपॉर्टेंट. आपने ये पार्ट कंसिडर किया तो ये पॉइंट इस साइड आया लेफ्ट, ये पॉइंट किस साइड आया लेफ्ट, इसको पुल कर रहा होगा तो इस डायरेक्शन में लगेगा फोर्स. अभी आपने ये पार्ट कंसिडर किया तो ये पॉइंट राइट में आया, तो अभी इसको पुल कर रहा होगा तो डायरेक्शन ऐसा होना चाहिए. इसका मास क्या है? जीरो है. तो फिर से आप क्या लिखोगे? नेट फोर्स जीरो हो जाएगा, मतलब टी ए माइनस टी बी इक्वल्स टू जीरो. तो यहाँ से ये वाली वैल्यू क्या आ गई? टी ए इक्वल्स टू टी बी. अच्छा देखो इसका मतलब टी ए इक्वल्स टू टी बी इक्वल्स टू एफ हो जाएगा ना यार. टी ए की वैल्यू टी बी के इक्वल है एंड टी ए वैल्यू एफ के इक्वल है. तो टी ए इक्वल्स टू टी बी इक्वल्स टू एफ, मतलब यहाँ पे जो फोर्स है वो भी सेम है, यहाँ पे जो फोर्स है वो भी सेम है, यहाँ पे जो फोर्स है वो भी सेम. मतलब टेंशन की वैल्यू थ्रू आउट द स्ट्रिंग क्या होगी? सेम होगी. यहाँ पे भी टेंशन सेम आ रहा है, यहाँ पे भी टेंशन सेम आ रहा है.
और उसकी वैल्यू एफ के इक्वल है। तो टेंशन क्या होता है थ्रू आउट द स्ट्रिंग, टेंशन की वैल्यू क्या होती है सेम होती है थ्रू आउट द स्ट्रिंग, टेंशन की वैल्यू क्या होगी सेम होगी। बट कभी सेम होगी जब स्ट्रिंग कैसा होगा मासलेस, व्हेन स्ट्रिंग इज मासलेस। किसी को कोई डाउट है एनीवन? सर यस सर आई एम नॉट अंडरस्टैंडिंग हाउ टेंशन विल बी लाइक टू टाइप्स ऑफ टेंशन विल बी देयर लेफ्ट आल्सो राइट आल्सो। लेफ्ट में आएगा ना क्योंकि फोर्स राइट में है ना, लेफ्ट में ही आएगा, आना भी चाहिए। सर राइट कैसे आ गया सर? किसको मैं ड्रॉ कर, क्या बताया था? ये पॉइंट देखने के लिए बताया है कि सिर्फ तुम अपने नोटबुक में नोट कर लो। ये क्या लिखा है यहाँ पे, रीड करो, तुम इसको रीड करो पहले। सो इट्स अ पुल टाइप फोर्स, पुल टाइप फोर्स। तो अब ये बताओ अगर मैं यहाँ पे शो कर रहा हूं इतना पार्ट, तो ये ऐसा होगा, ये पार्ट ये है, आया ना? यस यस। तो अब ये बताओ इस पॉइंट को ये पुल कर रहा होगा, तो पुल करेगा तो किस डायरेक्शन में? राइट साइड में एफ पुल करेगा। क्या लॉन्ग होगा ये स्ट्रिंग से अवे, इस साइड होगा ना यार, पर राइट साइड होगा। अरे भाई ये स्ट्रिंग है ठीक है, तुम इसको पुल कर रहे हो, सपोज इस पे इस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है और यहाँ पे टेंशन लग रहा है, अज्यूम कर रहा हूँ इतना पार्ट कंसिडर कर, इस पॉइंट को पुल करना है, तो पुल करूंगा तो मैं इस डायरेक्शन में फोर्स लगाऊंगा या इस डायरेक्शन में फोर्स लगाऊंगा, ये बताओ। इसको राइट डायरेक्शन मान लो, इसको लेफ्ट, राइट और लेफ्ट, लेफ्ट लेफ्ट साइड ना, पुल करना है ना यार। इस साइड करूंगा तो इसका लेंथ जो है डिक्रीज होगा, तो पुश करना होगा, पुल करना थोड़ी होगा वो। इस साइड अगर मैं फोर्स लगाऊं तो इसको पुश करना होगा ना ऐसा, पुल करने का मतलब आप इसको इस साइड फोर्स लगा रहे हो, इस साइड, यहाँ पे फोर्स इस साइड आ रहा है। इतने पार्ट को मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, ए बी ड्रॉ कर दिया, ए पे भी टेंशन आएगा, बी पे भी टेंशन आएगा, ए पे टेंशन आएगा एंड बी पे भी टेंशन आएगा। किस टाइप का फोर्स होता है टेंशन? पुल टाइप फोर्स, पुल टाइप, पुल टाइप। इस पॉइंट को भी पुल कर रहा होगा और इस पॉइंट को भी इस साइड पुल कर रहा होगा, तो इस पे अभी टेंशन इस डायरेक्शन में आ जाएगा और इस पे टेंशन इस डायरेक्शन में आ जाएगा। कुछ आई बात समझ में? पुल टाइप है तो आप कौन सा सेगमेंट कंसिडर कर रहे हैं उस पर डिपेंड कर रहा है कि उसका डायरेक्शन क्या होगा। ऐसा नहीं कि यहाँ पे सर यहाँ पे ड्रॉ कर रहे हैं तो ये आ रहा है, यहाँ पे ड्रॉ कर रहे हैं ये कैसे हो गया सर, ये नहीं। पुल टाइप फोर्स है, हमेशा पुल टाइप ही रहेगा, आप क्या ड्रॉ कर रहे हैं ये इंपॉर्टेंट। इसलिए यहाँ पे डायरेक्शन इस, यहाँ पे टेंशन का डायरेक्शन ऐसा था तो यहाँ पे टेंशन का डायरेक्शन ऐसा हो गया, इसके लिए टेंशन इस साइड है और इसके लिए टेंशन इस साइड है, क्योंकि ये कैसा टाइप फोर्स है, पुल टाइप, ये इसको भी पुल कर रहा होगा और इसको भी पुल कर रहा होगा। कुछ आई बात समझ में? यस ओके सर ओके ओके। नहीं समझ में आना चाहिए, ऐसा नहीं कि डाइजेस्ट नहीं हो रही है बात, आप फिर भी बोल रहे हो ओके सर ओके सर। समझो पुल टाइप फोर्स है तो पुल होगा तो कैसा होगा फोर्स, डायरेक्शन क्या होगा उससे डिसाइड करो। पुल टाइप फोर्स है तो डायरेक्शन क्या होगा उससे डिसाइड कीजिए। नहीं आ रहा है तो एक दो एग्जांपल लेके बताऊंगा, क्लियर करो, ऐसा नहीं कि डाइजेस्ट नहीं हो रहा है। नहीं सर अभी सर से पूछ रहा हूं, जो ऊपर वाला एग्जांपल है उसमें m जो है उसको नीचे मास इज पुलिंग द स्ट्रिंग डाउनवर्ड्स। ये बताओ मुझे, ये बताओ यहां पे क्या ड्रॉ कर रहे हैं पहले ये, इस वाले टॉप ये जो हाँ। यहाँ पे मैं किस फोर्स को ड्रॉ कर रहा हूँ पहले मुझे ये बताओ, टेंशन। अरे क्या ड्रॉ कर रहे नहीं, मास ना। ये मास का भी फोर्स आएगा mg डाउनवर्ड डायरेक्शन, यस मास हाँ। बट मैं क्या ड्रॉ कर रहा हूँ, मैं ये पूछ रहा हूँ ना, देखो यहाँ इससे पहले क्या था नॉर्मल, ये बताओ इसका मास नहीं होगा क्या, mg नहीं लग रहा होगा यहाँ पे, लग रहा होगा ना टेंशन। तो अपना फोकस सिर्फ किस पे है, टेंशन पे, mg पे नहीं है। mg आएगा अलग से आएगा, फिर सबको कंबाइन करेंगे अपन, पहले इंडिविजुअली देख लेते हैं कि डायरेक्शन क्या होता है, फिर अपन कंबाइन करने वाले हैं। जब क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो ऐसा थोड़ी कि mg को कंसिडर नहीं किया तो आंसर आ जाएगा, वहां पे वहां तो जितना भी फोर्स एक्ट कर रहा होगा सभी को कंसिडर करना पड़ेगा ना।
Yes, sir. Sir, tension will come due to the force acted by the mass on the string, no? हाँ, क्योंकि ये क्या कर रहा है, ये पुल कर रहा है. तो किसी चीज को अगर आप पुल कर रहे हो तो किससे पुल करोगे, फोर्स एग्जर्ट होगा तभी तो पुल कर पाओगे ना यार. तो यहाँ पे भी ये मास जो है इसको पुल, ये स्ट्रिंग को पुल कर रहा है. क्यों पुल कर रहा है, क्योंकि इसका जो फोर्स है ये किस डायरेक्शन में, डाउनवर्ड डायरेक्शन में, mg है. तो वही mg क्या कर रहा होगा, इस स्ट्रिंग को पुल कर रहा होगा. यस सर. सर फिर टेंशन ऊपर उसको पुल करेगा स्ट्रिंग को एज अ अपोजिंग फोर्स. यस. सो फिर सेकंड पार्ट में मुझे इश्यू आ रहा है, जो ऊपर वाला पार्ट है उसमें कैसे टेंशन डाउनवर्ड्स आ रहा है. देखो तुम क्या करोगे, इतने पार्ट को ड्रॉ करोगे. जैसे मुझे यहाँ पे शो करना है टेंशन, तो मैंने इतने पार्ट को ड्रॉ किया ना. अरे मुझे यहाँ पे शो करना है ना किस पे टेंशन इस साइड है. यस यस सर. तो मैंने इतने पार्ट को ड्रॉ किया ना यार, इतने को एक मैंने सिस्टम कंसिडर कर लिया, इतने को. तो वैसे ही मैं इसको सिस्टम कंसिडर कर रहा हूँ. मुझे इस पार्ट को ड्रॉ करना है, यहाँ पे टेंशन शो करना है. इस ब्लॉक के साथ तो शो नहीं करना है, मुझे किसके साथ शो करना है, इसके साथ. तो मैंने सिर्फ इतना पार्ट ड्रॉ किया, तो इतना पार्ट ड्रॉ किया तो ये ऐसा आया. यहाँ पे स्ट्रिंग है, तो स्ट्रिंग पे जो फोर्स लगता है वो किस टाइप का फोर्स होता है, पुल टाइप फोर्स. तो यहाँ पे ये इसको पुल कर रहा होगा. अच्छा ये बताओ, जैसे तुम इसको पुल, ऐसे समझो जैसे तुम ये वाले mg डाउनवर्ड डायरेक्शन में आएगा, ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में पुल करना चाहेगा, तो क्या ये स्ट्रिंग इसको, इस पॉइंट को डाउनवर्ड डायरेक्शन में नहीं पुल करना चाह रही होगी उस सब्सटेंट पे. यस सर करेगी. अगर ये बताओ, अगर यहाँ पे इस पॉइंट ऑफ सस्पेंशन को आप मान लीजिए कि यहाँ पे जो भी फोर्स लग रहा होगा, सपोज यहाँ पे पॉइंट ऑफ सस्पेंशन पे सपोज टेंशन से वो लेस है फोर्स, तो क्या होगा ये पॉइंट, क्या होगा यहाँ पे जो फोर्स लग रहा होगा पॉइंट ऑफ सस्पेंशन पे वो लेस है टेंशन, तो क्या होगा जब पुल करोगे तो ये वाला पॉइंट इस साइड आएगा या इस साइड जाएगा, किस साइड जाएगा ये पॉइंट. सर नहीं, डाउनवर्ड्स होगा ना. डाउनवर्ड्स आएगा. डाउनवर्ड्स क्यों आ रहा है, डाउनवर्ड्स क्यों आ रहा है, क्योंकि टेंशन इसको पुल कर रहा होगा ना, तभी तो डाउनवर्ड्स आएगा. अगर ये फोर्स इस पे लगेगा तो क्या ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में आएगा. अरे टेंशन अगर इस डायरेक्शन में लग रहा होता तो क्या ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में ये पॉइंट आ सकता था. सपोज यहाँ पे रिएक्शन फोर्स की वैल्यू जो है वो लेस होती है टेंशन से, नहीं होता ना यार. यस सर नहीं होता है ना, हमेशा किस डायरेक्शन में आएगा. अगर फोर्स यहाँ पे लेस होगा तो हमेशा ये पॉइंट किस डायरेक्शन में आएगा, डाउनवर्ड्स. तो डाउनवर्ड्स क्यों आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे टेंशन लग रहा होगा ऐसा. अब किसी को ये ऊपर वाले पार्ट में फोर्स कहाँ पे है जो नीचे पुल कर रहा है स्ट्रिंग को, दैट इज व्हाई टेंशन विल अपोज इट, नो? नीचे वाला फोर्स कहाँ पे है. ए भाई ये स्ट्रिंग है ऐसे, तो यहाँ पे तो स्ट्रिंग कनेक्टेड होगी ना कुछ तो होगा ना यार यहाँ पे, तभी तो ये हैंग कर रहा है ना पूरा सिस्टम. अरे इस ये ऐसा है, मान लो ये वाला जो है यही सपोर्ट है ऐसा. सिर्फ स्ट्रिंग को ऐसा टच करोगे तो क्या ये ब्लॉक जो है स्ट्रिंग से मैंने कनेक्ट कर दिया, सिर्फ टच कर रहा है ये स्ट्रिंग, तो क्या इससे ये इसको क्या करेगा, ये ब्लॉक जो है ये मान लो एयर में सस्पेंड करता रहेगा, ऐसा हैंग करता रहेगा ये. अरे ये स्ट्रिंग यहाँ पे फिक्स होगी ना यार, फिक्स होने का मतलब कुछ ना कुछ फोर्स तो लग रहा होगा ना वहां पे, ऐसे कैसे फिक्स होगी. अच्छा ओके सर. ऐसे थोड़ी फिक्स होगी यार, कोई ना कोई फोर्स तो लग रहा होगा ना, तभी तो फिक्स है वो. Suppose we are holding it with our hand. Suppose yes. That. So we are applying upward force, so tension is downwards. That is. Yes. Okay. Copy किया क्या इसको? Yes, sir. Next. तो टेंशन का डायरेक्शन पुल टाइप होता है, वो आना चाहिए. नेक्स्ट लिखेंगे पुली. ये पुली है, ठीक है. ये क्या है, पुली है. मैं अगर यहाँ पे एक मास को यहाँ पे ऐसा इस साइड के स्ट्रिंग से कनेक्ट कर दूं ऐसा, और ये ऐसा है, तो इस पूरे सिस्टम को बोलते हैं अपन एटवुड मशीन. और ये पुली है अपनी, ये वाली.
ये क्या है और ये पूरा सिस्टम क्या है, एडवर्ड मशीन। कहीं पे ऐसा दिख जाए तो समझ में आ जाना चाहिए एडवर्ड मशीन। तो देखो ये क्या करता है, पुली क्या करता है समझिए एक बार पहले मैं क्या बताना चाह रहा हूं। देखो ये स्ट्रिंग है तो यहां पे टेंशन इस साइड होगा, यहां पे टेंशन इस साइड होगा। यस सर। अब इस वाले पार्ट को अगर आप ड्रॉ करेंगे, इस वाले पार्ट को, एक ये है, एक ये है और एक ये है या नहीं है? यस सर। अभी जो पुली, ये जो पुली है, ये पुली कैसी है समझ लो पहले। ये जो पुली होगी अपनी, जब तक क्वेश्चन में गिवन नहीं है क्या अज्यूम करना है, पुली कैसी है, मासलेस, फ्रिक्शनलेस। एंड यहाँ पे तो ये इससे क्या है, फिक्स्ड है। ये वाला पार्ट जो है ये इसके साथ फिक्स्ड है, ये क्या है, फिक्स्ड, मूव नहीं कर रही है पुली। तो यहाँ पे क्या है, स्टेशनरी है, पुली क्या है, स्टेशनरी। ये पुली रोटेट नहीं कर रही, स्ट्रिंग मूव कर रहा है, पुली फिक्स्ड है। अब ये जो है सपोज इसका मास ग्रेटर होगा तो ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में जाएगा, तो ये अपवर्ड डायरेक्शन में आएगा। तो ये क्या कर रहा है, यहाँ पे स्ट्रिंग जो है वो मूव कर रही है। यहाँ पे क्या है, ये जो स्ट्रिंग है, तो मैं सेकंड पॉइंट, स्ट्रिंग मूव्स ओवर द पुली, रोटेट नहीं कर रहा है ये। वैसे पुली क्या करता है, रोटेट करता रहता है। तो रोटेशन का एक अलग चैप्टर है, पहले अपन नॉर्मल पढ़ेंगे जिसमें ये फिक्स्ड है, जिसमें ये रोटेट नहीं कर रहा है, जिसमें ये क्या कर रहा है, पुली रोटेट नहीं करेगा। ठीक है, स्ट्रिंग मूव्स ओवर द पुली, स्ट्रिंग क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। तो अभी पुली का काम क्या है, पुली क्या करता है, देखो इस पे टेंशन इस साइड है, इस पे अगर ड्रॉ करोगे पुल कर रहा होगा, टेंशन ऐसा है, टेंशन ऐसा है, और यहाँ पे टेंशन इस डायरेक्शन में टी डैश मान लीजिए, टी डैश अज्यूम कर लीजिए। तो यहां से देखो अगर आप इसका, इसका मास क्या है, जीरो है। इसको फिर से मैं ड्रॉ करता हूं, समझिए क्या मैं बताना चाह रहा हूं। टी डैश ये टी है, ये टी है, इसका मास क्या है, जीरो है। तो इस पे अगर नेट फोर्स आप लिखोगे तो क्या लिखोगे, इसको मैं पॉजिटिव ले लूं तो ये दोनों नेगेटिव हो जाएगा, माइनस टी एम इंटू ए, नेट फोर्स इक्वल्स टू मास इंटू एक्सेलरेशन। टी डैश माइनस टू टी, मास की वैल्यू जीरो है, इंटू ए लिख दिया तो टी डैश माइनस टू टी की वैल्यू जीरो हो जाएगी, therefore t dash की वैल्यू क्या हो जाएगी, t dash की वैल्यू क्या हो जाएगी, t dash क्या आ जाएगा, 2t आ जाएगा। मतलब अगर कहीं पे ऐसा ड्रॉ कर दिया, ये tt क्यों कंसिडर कर रहे हैं अपन, इसमें t और इसमें t को क्यों कंसिडर कर रहे हैं। देखो ये स्ट्रिंग देखिए आप, ये स्ट्रिंग ऐसे जाके ऐसे, क्या ये एक ही स्ट्रिंग है क्या, तो सेम स्ट्रिंग है तो टेंशन की वैल्यू कांस्टेंट होगी, बिकॉज़ ये मासलेस स्ट्रिंग है। जब तक बताया क्वेश्चन में गिवन नहीं हो कि इसका कुछ मास है, तब तक आपको क्या कंसीडर करना है, मासलेस। तो मुझे ये बताओ क्या ये स्ट्रिंग मासलेस स्ट्रिंग है, तो मासलेस स्ट्रिंग है तो टेंशन की वैल्यू क्या होगी, सेम होगी। तो यहाँ पे टेंशन इस साइड ऐसा, इस साइड ऐसा, अगर यहाँ पे शो करते तो टेंशन यहाँ पे ऐसा आ रहा था, टेंशन यहाँ पे ऐसा आ रहा था। देखो ये टीटी है तो इस साइड क्या आ रहा था, टूटी, यही है ना, टी डैश की वैल्यू टूटी, टी डैश की वैल्यू क्या आई, टूटी। ये बात आई समझ में क्या। अब टेंशन क्या कर रहा है, अब देखो सपोज ये ऐसा ब्लॉक है, इसको अगर मैं पुल करता, एक फोर्स लगा के मैं इसको पुल करता इस डायरेक्शन में, तो इसका डायरेक्शन ऐसा होता, स्ट्रेट इसी डायरेक्शन में जा रहा होता, बट मैंने एक पुली लगा दी, मैंने क्या किया, एक पुली लगा दी और इस ब्लॉक को मैं इस डायरेक्शन में पुल कर रहा हूं। तो देखो मैं इस डायरेक्शन में पुल कर रहा हूं, इस ब्लॉक को मैं डाउनवर्ड डायरेक्शन में पुल कर रहा हूं, बट ये ब्लॉक अपवर्ड डायरेक्शन में आ रहा है। कुछ आ रही है बात समझ में? Yes, मैं इस ब्लॉक को डाउनवर्ड डायरेक्शन में पुल कर रहा हूं, तो ये ब्लॉक किस डायरेक्शन में जाएगा, अपवर्ड डायरेक्शन में जाएगा। मतलब कि आपने जो फोर्स लगाया ना, उस फोर्स की वजह से यहाँ पे
ये ब्लॉक भी मूव कर रहा है और ये अपवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा है, आप फोर्स लगा रहे डाउनवर्ड डायरेक्शन में, ये मूव कर रहा है अपवर्ड डायरेक्शन में, इसका मतलब पुली ने क्या किया है, इसके लिए फोर्स के डायरेक्शन को चेंज कर दिया। तो बेसिकली पुली क्या करता है, पुली चेंजेस द डायरेक्शन ऑफ फोर्स या डायरेक्शन ऑफ मोशन। अगर सीधा ये ऐसा ही होता, ऐसा होता कोई पुली नहीं होती, मैं इसको इस डायरेक्शन में पुल कर रहा होता, ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में जाता या नहीं जाता, एक ब्लॉक ऐसा आया ना, बट एक पुली लगा दी और एक ब्लॉक को इस साइड रख दिया, आप इस डायरेक्शन में इसको पुल कर रहे हो, ये पुली इस डायरेक्शन में जा रही है। तो बेसिकली पुली क्या कर रहा है, पुली चेंजेस द डायरेक्शन ऑफ मोशन, पुली चेंजेस द डायरेक्शन ऑफ मोशन और यू कैन से डायरेक्शन ऑफ फोर्स। और टेंशन कैसे वैरी कर रहा है, इसमें टी है तो इसमें भी टी होगा, बिकॉज सेम स्ट्रिंग है, तो इसमें टी है तो इसमें भी टी होगा, ये टी टी है तो ये टूटी हो जाएगा, ये टी टी है तो ये क्या हो जाएगा, टूटी हो जाएगा। तो यहां से एक पॉइंट सिर्फ लिखना है, पुली चेंजेस द डायरेक्शन ऑफ मोशन स्लैश करके फोर्स भी लिख देना, कॉपी कर लो। तो पुली क्या होगी, जब तक क्वेश्चन में गिवन नहीं होगा, पुली विल बी मासलेस, फ्रिक्शनलेस एंड स्टेशनरी। किसी किसी में पुली मूव भी कर रहा होगा, बट यहाँ पे पुली does not rotate, ऐसा लिख देता हूँ, here pulley does not rotate, यहाँ पे pulley rotate नहीं करती है, ठीक है, इस chapter में pulley rotate नहीं करेगी, जहाँ पे rotate करेगी वहाँ पे discuss करेगी, copy कर लो इतना पहले। ये टूटी में किसी को doubt है, एनीवन, यहाँ पे टी टी है तो ये टूटी हो जाएगा, इसमें टेंशन सेम होगा, क्यों सेम होगा, बिकॉज एक ही स्ट्रिंग है एंड थ्रू आउट द स्ट्रिंग टेंशन रिमेन सेम, यहाँ पे टेंशन टी है, यहाँ पे टी है, इसके लिए डायरेक्शन ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, किसके लिए, यहाँ पे अगर आप शो करेंगे, ये मैं इसके लिए ड्रॉ कर रहा हूँ, अगर इसके लिए आप ड्रॉ करते तो डायरेक्शन ऐसा होता है ना, इसके लिए ड्रॉ करते तो डायरेक्शन ऐसा होता, वो भी टूटी, कॉपी कर लो पहले, इसको कॉपी करो। सर यस सर, जो वो जो टूटी वाला पार्ट, यू हैव डन द सेम थिंग नो, नेट फोर्स ऑन द पुली इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, जैसे पीछे दिया था। यस यस, यहां पे टी है, ये टी है तो ये टूटी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, done।
सर वो जो लास्ट पॉइंट लिखा है कैन यू जस्ट टेल व्हाट सेकंड है बिकॉज़ इट फुली चेंजेस द डायरेक्शन ऑफ मोशन और फोर्स दिस वन ना यस सर फुली चेंज जैसे फोर्स आप इस डायरेक्शन में लगा रहे हो बट ये इसका मोशन इस डायरेक्शन में हो रहा है तो ये किसकी वजह से हो रहा है ड्यू टू दिस पुली ना यस सर दैट आई अंडरस्टूड और सर अगर पुली रोटेट नहीं करेगा तो दोनों एक ही डायरेक्शन में आएगा नहीं नहीं रोटेट पुली तो नहीं कर रहा है पुली रोटेट तो नहीं कर रहा है रोटेट करने लगेगा तो कुछ और भी आ जाता है वो थोड़ा इनर्शिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया कुछ और आ जाता है इसलिए उसको डिस्कस नहीं करेंगे अभी यहाँ पे उसका एक अलग चैप्टर है रोटेशनल मोशन करके है ना रोटेट करेगा तो फिर कुछ और हो जाता है टेंशन की वैल्यू सेम नहीं होती है टेंशन डिफरेंट हो जाता है इस स्ट्रिंग में टेंशन की वैल्यू क्या हो जाती है वो डिफरेंट हो जाती है टेंशन सेम नहीं होती इवन दो स्ट्रिंग इज मासलेस इवन दो स्ट्रिंग इज मासलेस टेंशन क्या होता है डिफरेंट ओके सर सर डन डिस्कस करेंगे उसको लास्ट पेज का लास्ट पार्ट देख लो यार लास्ट पेज के का लास्ट पार्ट किसी ने बोला है सर तो देखो यार लास्ट पेज का लास्ट पार्ट ये है Yes, sir. आपको सिर्फ टेंशन बताना है टेंशन क्या है ठीक है यस सर ऐसे एग्जांपल सिर्फ टेंशन यस सर यस सर टेंशन बताइए टेंशन की वैल्यू क्या इसमें मैं टी अस्यूम कर लेता हूँ देखो ये टी है ये वाले स्ट्रिंग देखिए क्या ये स्ट्रिंग सेम है ये स्ट्रिंग सेम है ना यार ये वाले यस सर तो इसमें टेंशन सेम होगा यहाँ पे टी ये टी टी है तो ये क्या हो जाएगा टू टी टू यहाँ पे शो करे तो ऐसा टू टी ये टू टी होगी यहाँ पे टू टी होगी यहाँ पे 40 हो जाए एनी डाउट नो सर यस इसमें टी अज्यूम कर लो बताओ टेंशन कहाँ पे क्या हो सर जो सेम सेम स्ट्रिंग टी 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 ये सेम स्ट्रिंग है हाँ तो उसके ऊपर वाला टी हो जाएगा टू टी सर 16 टी टोटल हाँ सही है टू टी तो यहाँ पे भी टू टी आएगा ये भी टू टी आएगा इसमें 40 आएगा 40 यहाँ पे 40 आएगा तो यहाँ पे 40 दिखेगा ये 40 है तो यहाँ पे 80 आएगा इस साइड भी 80 लिख दो ये भी 80 आएगा ये भी 80 आएगा तो यहाँ पे टॉप पे कितना आएगा 16 अगर किसी ने इसको टी लिया तो फिर डिफरेंट आ जाएगा किसी ने इसी को टी कंसीडर कर लिया तो ये टी तो ये टू टी ये टी है तो ये टी बाय टू ये टी बाय टू है तो ये टी बाय फोर ये टी बाय फोर है तो ये टी बाय एट कुछ आई बात समझ किसी ने इसी को टी लिया ये टी लिया तो ये टी बाई टू हाफ हो जाएगा ये टी बाई टू है तो ये टी बाई फोर ये टी बाई फोर है तो टी बाई एट ये टी बाई एट है तो टी बाई सिक्सटीन क्लियर है यस सर बताओ किस साइड टेंशन क्या होगा ये वाली स्ट्रिंग क्या है सेम स्ट्रिंग है तो टेंशन की वैल्यू क्या होगी सेम होगी टी इस साइड भी टी यहाँ पे टी इस साइड भी टी
सर ऊपर वाले में तो फिर टूटी का ऑप्शन है ही नहीं, टूटी होगा ही नहीं, क्यों होगा? ओके सर, जैसा है वैसे ही शो करेंगे ना, ये ऐसा है। यस अब बताइए, ये खुली है, ये खुली है, ये ब्लॉक है, ये ब्लॉक है, एक ही स्ट्रिंग है, ये वाली स्ट्रिंग है, ऐसे ये वाली स्ट्रिंग, जैसा स्ट्रिंग है वैसा ही शो करें, यहाँ पे टी, यहाँ पे शो करना होगा टी, यहाँ पे टी, यहाँ पे टी, यहाँ पे टी, यहाँ पे टी, सेम ही स्ट्रिंग है, टेंशन की वाली क्या होगी, सेम हो। एनी डाउट? नो सर, टेंशन आपसे हो जाएगा, कहां पे टेंशन की वैल्यू क्या होगी, क्लियर है? आज के लिए इतना ही रहेगा, नेक्स्ट लेक्चर में यहां से आगे कंटिन्यू। यस सर, टेंशन कांटेक्ट फोर्स का पार्ट है। यस, देखो ना कांटेक्ट फोर्स कैसा है, ये स्ट्रिंग है ना, स्ट्रिंग में ये पार्टिकल कांटेक्ट में है, ये पार्टिकल, ये पार्टिकल कांटेक्ट में है, ये पार्टिकल कांटेक्ट में, यहां पे जितने भी पार्टिकल्स हैं कांटेक्ट में तो होंगे ना, ये वाले इसके साथ, ये वाले, है ना, इसीलिए ये फोर्स कैसा है, पुली टेंशन फोर्स का पार्ट है ना। हां, पुली अलग ही तरह का, उसमें टेंशन आता है, टेंशन टेंशन फोर्स का पार्ट नहीं है, पुली एक अलग कॉन्सेप्ट है कि जिसमें टेंशन यूज होता है, एमजी यूज होगा, ये सब यूज होगा। सर ये वाला हाउ इज टेंशन और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स ओवर हियर, लाइक फिर से वही आएगा ना, पार्टिकल्स, देखो ना यार, ये ऐसा है, ये स्ट्रिंग है, यहाँ पे पार्टिकल्स, यहाँ पे पार्टिकल्स, ये पार्टिकल्स, ये पार्टिकल्स, ये पार्टिकल्स, अभी बताओ ये दोनों पार्टिकल कांटेक्ट में होंगे ना, yes, तो कुछ ना कुछ फोर्स तो लग रहा होगा ना, तभी तो पार्टिकल में है ना, कुछ ना कुछ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तो लग रहा होगा ना, अरे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तो लग रहा होगा मैग्नेटिक। यस ओके सर, सर और ऊपर वाला एग्जांपल वाला जो है, वन मिनट यू कैन गो देयर, ये वाला जो, हाँ सर, वी वोंट ऐड, नो नो लेफ्ट वाला, हाँ वी वोंट ऐड द स्मॉल टी टू द टू टी, ऐसे नहीं करते क्या? टी द वन पुली इज होल्डिंग, टू पुलीज आर होल्डिंग द सेम ब्लॉक, नो? यस, हाँ तो वी वोंट ऐड दैट टी विद टू टी, ऐसे नहीं करते। नहीं नहीं देखो समझो, उसको वैसे कुछ नहीं करना, क्या करना है आपको समझो, अब ये मैटर नहीं कर रहा है कि यहाँ पे देखो एक ही ब्लॉक है बट फोर पुलीज है, यहाँ पे होल्ड कर रहा है इसको, वो मैटर करता ही नहीं, मैटर क्या करता है, स्ट्रिंग देखिए पहले, स्ट्रिंग ये पूरी स्ट्रिंग एक ही स्ट्रिंग है, ये वाली स्ट्रिंग एक ही स्ट्रिंग है या नहीं, ये पहले ही बताओ। यस सर, यस है। इस पूरे स्ट्रिंग में टेंशन सेम होगा, इस पूरे स्ट्रिंग में टेंशन सेम होगा, तो पहले कुछ अज्यूम कर लो, इसमें टेंशन मैंने टी अज्यूम किया, तो इसमें भी यहाँ पे ऐसा टी आएगा, यहाँ पे ऐसा आएगा, यहाँ पे ऐसा आएगा, ये टी टी है तो ये टू टी हो जाएगा, ये तो अच्छा, बताया ऐसा, अच्छा, ऐसा हाँ, ठीक है, वही करना है। यस यस सर, यू सेड इन अ स्ट्रिंग टेंशन इज सेम, नो, इन अ मासलेस स्ट्रिंग, मासलेस स्ट्रिंग, सो बट डायरेक्शन ऑफ टेंशन इज नॉट सेम ऑन द अपर पॉइंट एंड द लोअर पॉइंट, जैसे ऊपर वाले पॉइंट में टेंशन नीचे के तरफ, टेंशन की वैल्यू सेम होगी, टेंशन की वैल्यू सेम होगी, उसका मैग्नीट्यूड जो होगा ना वो सेम, टेंशन का जो मैग्नीट्यूड होगा ना, मतलब यहाँ पे जो वैल्यू आएगी ना, वही वैल्यू यहाँ पे आएगी, वही वैल्यू यहाँ पे आएगी, वही वैल्यू यहाँ पे आएगी, उसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो सेम होगा, और टेंशन का डायरेक्शन में अगर बात करेंगे, डायरेक्शन कैसा, पुल टाइप फोर्स, अब ये डिपेंड कर रहा है कि आप कहाँ पे ड्रॉ कर रहे हैं, टेंशन को कहाँ पे शो कर रहे हैं, इस पर डिपेंड करता है, तो डायरेक्शन भी पता है अपने को कैसा, पुल टाइप, मैग्नीट्यूड फाइंड कर लेंगे अपन क्वेश्चन को जब सॉल्व करेंगे, वहां से यू विल गेट द वैल्यू ऑफ टेंशन। ओके सर, अंडरस्टूड सर, एंड यू कैन 1 मिनट गो टू प्रीवियस पेज। Has everyone copied this one? Yes, sir. सर यहाँ पे जो ऊपर वाला पॉइंट्स है उनका टेंशन डाउनवर्ड्स आ रहा है ना, तो मतलब कि जो स्ट्रिंग इज इन कॉन्टैक्ट विद द पुली, तो द पुली इज बेसिकली प्रोवाइडिंग अपवर्ड फोर्स टू द स्ट्रिंग, नो? पुली नहीं अपवर्ड फोर्स अप्लाई कर रहा है, बल्कि ये जो यहाँ पे जो ये वाली स्ट्रिंग है या कोई रॉड होगा ना, सपोर्ट है ये बेसिकली, है ना, तो ये अप्लाई कर रहा है, ये पुली अप्लाई नहीं कर रहा,
ये बताओ यहाँ पे जो भी फोर्स आप शो कर रहे हो ये क्या फुली अप्लाई कर रहा है क्या ये स्ट्रिंग अप्लाई कर रहा है सर स्ट्रिंग ये स्ट्रिंग अप्लाई कर रहा है और ये जो सपोर्ट होगा वो अप्लाई कर रहा है यस नहीं तो मतलब आई एम सेइंग द स्ट्रिंग्स आर हेल्ड बाय द पुली ना इनडायरेक्टली तो अपवर्ड फोर्स है इसलिए टेंशन डाउनवर्ड्स है देखो फिर से आप मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि अपवर्ड फोर्स है इसलिए टेंशन डाउनवर्ड है मैं क्या बोल रहा हूँ टेंशन किस टाइप का फोर्स है पुल टाइप का फोर्स ऐसा फोर्स है पुल टाइप तो मैं उससे जाऊंगा यार ये नहीं बताऊ ये मैं नहीं बोलने वाला हूँ कि ये अपवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है इसलिए डाउनवर्ड्स है ना पुल टाइप फोर्स होता है हमेशा पुल करेगा ये बस नहीं सर जैसे लास्ट केस में आपने मुझे समझाया था कि स्ट्रिंग सपोज मैंने हाथ से पकड़ा हुआ है तो आई एम प्रोवाइडिंग अपवर्ड फोर्स दैट इज व्हाई टेंशन पुल नीचे कर रहा है वैसे बोल रहा हूं मैं वो इसलिए समझा रहा था कि तुमको वो चीजें क्लियर नहीं थी कि सर ये कैसे टेंशन लग रहा है डाउनवर्ड डायरेक्शन में तो मैं ये बोल रहा था कि अगर तुम बोल्ड कर रहे हो अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हो तो कोई ना कोई ये पॉइंट अगर मूव नहीं कर रहा है तो कोई ना कोई फोर्स तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में बैलेंस कर ही रहा होगा तो वो कौन बैलेंस कर रहा होगा दैट वुड बी टेंशन दैट वुड बी टेंशन बट अभी आपको समझ में आया ना कि टेंशन किस टाइप का फोर्स होता है पुल टाइप फोर्स होता है ठीक है तो उस पे स्टिक करो ऐसा कि वो पुल टाइप है फोर्स कैसा है पुल टाइप फोर्स है उस पे स्टिक करना ये नहीं कि ये अपवर्ड है तो ये डाउनवर्ड वैसा नहीं करेंगे बिकॉज कभी कभी ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्सेलरेट कर सकता है तो आप जरूरी नहीं है कि ये किस साइड फोर्स लग रहा होगा कंपल्सरी नहीं ये कभी लगेगा जब यहाँ पे कोई सपोर्ट है तभी लगेगा वरना नहीं लगेगा सर अगर टेंशन पुल टाइप फोर्स है तो आई एम सेइंग दैट ओनली ना देयर शुड बी समथिंग अपवर्ड्स टू बैलेंस द फोर्स अरे भाई जरूरी थोड़ी है बैलेंस करना कंपलसरी है बैलेंस करना क्या एक्सेलरेट नहीं कर सकता हमेशा रेस्ट में होगा ये कंपलसरी है इसमें रेस्ट में हो सकता है बिकॉज़ ये फिक्स्ड वाला पार्ट है इसमें रेस्ट में हो सकता है बट हर क्वेश्चन में वो रेस्ट में हो सकता है ये कंपलसरी है नहीं नो सर नो नो तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ सर फिर नीचे वाला पार्ट समझा मुझे कि नीचे ब्लॉक एक फोर्स दे रहा था तो इसलिए टेंशन अपवर्ड्स था फिर यहाँ पे क्या फोर्स नहीं 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 अरे फिर से तुम उसी में जाके स्टक कर जा रहे मैं वो नहीं बोल रहा मैं क्या बोल रहा हूँ उसको समझो मैं ये बोल रहा हूँ कि टेंशन किस टाइप का फोर्स है पुल टाइप फोर्स यहाँ पे तुम ऐसा ड्रॉ करो ना यार ऐसा ड्रॉ कर लो कैसा कैसा स्ट्रिंग है उसको ड्रॉ कर लो यहाँ पे स्ट्रिंग ऐसी है यहाँ पे एक सपोर्ट है ऐसा इतना तो ड्रॉ कर सकते हो ना ये बताओ पहले यस सर यस अब पुल टाइप है तो किस डायरेक्शन में होगा डायरेक्शन क्या होगा इसका लगा दो पुल टाइप है ना ऐसा कर दिया पुल कर रहा होगा इस साइड होगा पुल कर रहा होगा इस साइड होगा पुल कर रहा होगा इस साइड होगा अच्छा वी कैन से द ऑब्जेक्ट इज द स्ट्रिंग एंड द फोर्स इज पुलिंग द ऑब्जेक्ट तो सिर्फ आपको ये ध्यान रखना है कि टेंशन किस टाइप का फोर्स है पुल टाइप है जहां पे भी स्ट्रिंग होगी एक स्ट्रिंग ऐसे बना दीजिए आप देन पुल टाइप का फोर्स होगा तो डायरेक्शन क्या होगा उससे डिसाइड कर लीजिए आप वरना फिर कंफ्यूज हो जाओगे तुम हमेशा हर तुम ये देखो यार ये फोर्स इस साइड लग रहा है तो कुछ ना कुछ फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन में लग रहा होगा अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लग रहा होगा इसीलिए डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है फिर आगे वाले क्वेश्चन में स्टक करोगे यार क्वेश्चन में स्टक करोगे सो फिर डाउन नीचे वाला जो ब्लॉक है उसमें नीचे पुल टाइप क्यों नहीं हो रहा है कहां पे पुल टाइप नहीं हो रहा है भाई किसमें नहीं हो रहा है बताओ किसमें द ब्लॉक वाले में ब्लॉक में कैसा फोर्स लगाया देखो ये ब्लॉक है यहाँ पे ऐसा टेंशन लग रहा है पुल टाइप नहीं है ये ब्लॉक है यहाँ पे टेंशन इस साइड ऐसा लग रहा है ये पुल टाइप नहीं है अरे इस अच्छा, भी वैसे ही टेंशन है सर और फिर ऊपर ऑब्जेक्ट कौन सा था कहाँ ऑब्जेक्ट ऊपर वाले पार्ट में नियर द पुल ये ब्लॉक है और कहाँ पे ऑब्जेक्ट है कोई और ऑब्जेक्ट है क्या नहीं है ना सर नहीं ब्लॉक नहीं सर ऊपर वाले पार्ट में टेंशन डाउनवर्ड्स है ना तो पुल किसको कर रहा है इसमें डाउनवर्ड्स ये बोल रहे हो अरे इसमें यस सर यस ये किस पे लग रहा है अभी ये किस पे लग रहा है ये तो बताओ तो ये नीचे स्ट्रिंग के ऊपर लग रहा है पुली पे लग रहा है ये किस पे लग रहा है ये पुली पे लग रहा है क्या बनाया पुली पुली किस पे एक्ट कर रहा है पुली पे एक्ट कर रहा है तो इसको पुल कर रहा होगा ये डाउनवर्ड डायरेक्शन बट ये मूव नहीं कर रहा है क्योंकि इसको बैलेंस कर रहा होगा कोई फोर्स इस डायरेक्शन में जिस पे आपको टेंशन शो करना है ना
पहले आप उसको ड्रॉ कर लीजिए, जैसे पुली पे शो करना है पुली ऐसा ड्रॉ कर लीजिए। किससे कनेक्टेड है, यहाँ पे एक स्ट्रिंग है, यहाँ पे स्ट्रिंग है, यहाँ पे स्ट्रिंग है, ऐसा कनेक्टेड है, ठीक है सर। बट स्ट्रिंग में टेंशन शो होता है ना, स्ट्रिंग के अंदर टेंशन डेवलप हो जाता है, वो बोल रहा हूँ। तो मैं क्या बता रहा था उस टाइम से, तो स्ट्रिंग के अंदर टेंशन जो डेवलप होगा वो फिर पुली को नीचे टाइप पुल कर रहा है, वैसे बोल रहे हो आप। जब भी आपको टेंशन फोर्स को शो करना होगा, पहले आप ड्रॉ करेंगे कि वो किसके साथ, किसको आप शो करना चाह रहे हैं, इस ब्लॉक पे शो करना चाह रहे हैं, इस ब्लॉक पे शो करना चाह रहे हैं, या इस पुली पे शो करना चाह रहे हैं। ये डिपेंड किस पे करेगा, ये क्वेश्चन पर डिपेंड करेगा, क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है। समझ में आई बात? आपको पहले ये देखना है कि टेंशन किस पे ड्रॉ करना है, इस पे या इस पे। सपोज मुझे इस पे टेंशन को ड्रॉ करना है, तो मैं इसको सिर्फ ड्रॉ करूंगा ऐसा, और यहाँ पे एक स्ट्रिंग आएगी तो ये इसको पुल कर रहा होगा, तो टेंशन में ऐसा शो कर। मुझे इसको ड्रॉ करना है, मुझे इसको ड्रॉ करना है, तो मैं ऐसा ये करूंगा, यहाँ पे टेंशन स्ट्रिंग ऐसी है, ऐसा शो। मुझे पुली पे टेंशन को शो करना है, मैं पुली ड्रॉ करूंगा, स्ट्रिंग एक ऐसी, एक ऐसी, एक ऐसी, पुल टाइप फोर्स है, मैं ऐसा एरो बना दूंगा, मैं ऐसा एरो। यस सर, सर दैट आई अंडरस्टूड, बट आई एम सेइंग टेंशन तो तभी डेवलप होगा ना अगर कोई फोर्स आएगा, वो बोल रहा हूँ मैं। अरे फोर्स ये मास है, ये मास है, तो एमजी रहेगा, इसका मास डिफरेंट रहेगा। हाँ, नीचे वाला पार्ट सर, नहीं नीचे वाला पार्ट ठीक है, ऊपर वाले पार्ट में मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ, ऊपर वाले पार्ट। मेरे भाई जब ये पुल कर रहा है तो ये पुली को भी पुल कर रहा होगा ना यार। यस, अरे बताओ पहले समझो, यहाँ पे इसका मास है, इसका मास है, इसकी मास की वजह से क्या आएगा, इस स्ट्रिंग में टेंशन आएगा, ये स्ट्रिंग को पुल कर रहा है, हाँ या ना, ये बताओ पहले। इसमें जो मास है और इसमें जो मास है, ये दोनों मास क्या है स्ट्रिंग को, किसी का मास ग्रेटर होगा, किसी का मास स्मॉलर होगा, ग्रेटर मास की वजह से वो उसको पुल कर रहा होगा, पुल कर रहा होगा तो स्ट्रिंग में टेंशन डेवलप होगा। इतनी बात आई समझ में? हाँ। अब ये स्ट्रिंग है, ये स्ट्रिंग है, इसमें टेंशन आ गया है, तो यहाँ पे आप पुली बनाओगे, पुली में यहाँ पे टेंशन टी आएगा, ये भी टी आएगा, ये टेंशन इस पुली को डाउनवर्ड डायरेक्शन में पुल करना चाहेगा, तो जैसे ये पुल करना चाहेगा यहाँ पे एक फोर्स आ जाएगा। पुली को कौन पुल कर रहा है, तो ये दोनों टेंशन पुल कर रहा है, कौन पुल कर रहा है, ये टेंशन पुल कर रहा है, और ये टेंशन किसकी वजह से है, मास की वजह से आया। हाँ क्या सर? सर जो ब्लॉक है, ब्लॉक अगर फोर्स डाउनवर्ड लगाएगा तो टेंशन अपवर्ड आएगा ना, वही तो आई एम सेइंग। अरे मेरे भाई टेंशन किसके लिए अपवर्ड आएगा, यही तुम लॉजिक नहीं समझ रहे हो यार, बस बोलना है समझ नहीं रहे हो इसके पीछे का क्या लॉजिक है। ये बताओ जब तुम इस पे फोर्स लगाया इस साइड, इसको पुल कर रहा है इस साइड, इसको पुल कर रहा है इस साइड, टेंशन किस साइड आया स्ट्रिंग में, इसके लिए आएगा इस साइड, इसके लिए अपवर्ड आएगा। इसका मतलब तुमको पहले भी नहीं समझ में आया टेंशन वाला पार्ट, ठीक है, इसके लिए आएगा अपवर्ड्स। अभी तुम क्या ड्रॉ करोगे, तुम पुली ड्रॉ करोगे, क्या ड्रॉ करोगे, पुली। जब पुली ड्रॉ करोगे तो पुली पे कौन सा फोर्स लग रहा होगा, ये एमजी लग रहा होगा या टेंशन लग रहा होगा, ये बताओ पहले। एमजी। एमजी कैसे लग रहा होगा, क्या यार एमजी कहां से लगेगा पुली पे, या क्या ये मास पुली पे ऐसा कनेक्टेड है, पुली का कुछ मास है जो कि एमजी लगेगा। अरे पुली पे स्ट्रिंग है भाई, ये स्ट्रिंग है, तो पुली पे टेंशन लगेगा, पुली पे क्या लगेगा, टेंशन लगेगा, पुली पे क्या लग रहा होगा, टेंशन, एमजी नहीं, एमजी इस ब्लॉक पे लग रहा होगा, एमजी इस ब्लॉक पे लग रहा होगा, टेंशन पुली पे लग रहा होगा, ठीक है। तो पुली पे जब टेंशन लगेगा तो ये टेंशन जो है और ये टेंशन इस पुली को डाउनवर्ड डायरेक्शन में पुल करेगा। अब ये नहीं कि सर ये कैसे आ गया, ये टेंशन कैसे आ गया यहाँ पे इस डायरेक्शन में, यहाँ पे टेंशन का डायरेक्शन तो ऐसा था, यहाँ पे डाउनवर्ड डायरेक्शन में सर कैसे आ गया टेंशन, ये क्या हो गया मैजिक। ये इसलिए हो रहा है कि जब आप ड्रॉ करेंगे पुली को तो ये वाली स्ट्रिंग ऐसे आएगी और ये वाली स्ट्रिंग ऐसे आएगी। टेंशन किस टाइप का होता है, पुल, वो हमेशा पुल करता है, हमेशा क्या करता है, वो पुल करता है। तो यहाँ पे टेंशन इस स्ट्रिंग को इस साइड पुल कर रहा होगा और इस साइड वाली स्ट्रिंग को इस साइड पुल कर रहा होगा। तो जब यहाँ पे ये पुली है, ये इस साइड पुल कर रहा है, ये इस साइड पुल कर रहा है, इसका मतलब ये दोनों क्या कर रहा है, इस वाले
पुली को डाउनवर्ड डायरेक्शन में पुल कर रहा है। तो जैसे ही डाउनवर्ड डायरेक्शन में पुल करेगा यहाँ पे इसको बैलेंस करने के लिए एक फोर्स आ जाएगा जिसको बोल रहे हैं टी डैश। ये नहीं कि सर यहाँ पे तो अपवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है तो यहाँ पे भी तो अपवर्ड डायरेक्शन में लगना चाहिए। अरे अपवर्ड डायरेक्शन में यहाँ पे अगर तुम फोर्स लगाओगे तो स्ट्रिंग स्लैक हो जाएगी, स्ट्रिंग जैसे स्लैक होगी टेंशन जीरो हो जाएगा। टेंशन कब आता है स्ट्रिंग में? टेंशन कभी आता है स्ट्रिंग में ये बताओ सर, जब कोई फोर्स डाउनवर्ड एक्ट कर रहा हो। नहीं नहीं, फिर से डाउनवर्ड, फिर तुम कुछ बोल रहे हो। डाउनवर्ड मैं ऐसा लिखा है क्या डाउनवर्ड ये बताओ? सर नहीं, नॉट डाउनवर्ड। क्या लिखा है एक बार? कोई फोर्स एक्ट करना। नहीं नहीं, रीड करो पहले, तुम उसको रीड करो, उसको रीड करो, रीड करो, उसको रीड करो, क्या लिखा है? टेंशन कभी आता है स्ट्रिंग वायर रिंग रोप इज पुल्ड, व्हेन अ स्ट्रिंग इज पुल्ड। ठीक है, व्हेन अ स्ट्रिंग इज पुल्ड, जब स्ट्रिंग को पुल किया जाता है तभी आता है टेंशन। अब मुझे बताओ तुम्हारे अकॉर्ड, मैं ऐसा लगा देता हूँ फोर्स, देख लो टेंशन मैंने ऐसा लगा दिया, अपवर्ड डायरेक्शन में लगा देता हूँ। ये बताओ इस साइड टेंशन इस डायरेक्शन में, इस साइड भी टेंशन इस डायरेक्शन में, तो क्या ये स्ट्रिंग जो है वो टॉट होगी, टॉट रहेगी ये स्ट्रिंग? नो सर। जब टॉट नहीं रहेगी तो उस स्ट्रिंग में टेंशन की वैल्यू क्या हो जाएगी? जीरो। जीरो, तो टेंशन जीरो हो जाएगा। तो क्या ये इसमें कुछ फोर्स लगेगा? अच्छा टेंशन हो गया जीरो, टेंशन जीरो हो गया, तो क्या बताया गया है कि टेंशन क्या होता है पूरे स्ट्रिंग में सेम होता है, होता है या नहीं होता है? तो अगर इस वाले पार्ट में टेंशन की वैल्यू जीरो हो गई तो क्या इस वाले पार्ट में भी टेंशन जीरो हो जाएगा इसके लिए, और इसके लिए भी टेंशन जीरो हो जाएगा? यस सर हो जाएगा। तो फिर टेंशन जीरो हो सकता, जबकि पता है अपने को कि मास की वजह से ये इसको पुल कर रहा है, तो टेंशन स्ट्रिंग में जीरो हो सकता है यहाँ पे, इस केस में पॉसिबल है टेंशन जीरो होना? नो सर, नॉट पॉसिबल। समझो ना यार, तुम ये मतलब रिवर्स लॉजिक लगाओगे ना तो फिर वहां पे ये हो जाए। ऐसा नहीं कि सर ये ब्लॉक है यहाँ पे टेंशन ऐसा है, तो ये ब्लॉक है यहाँ पे टेंशन ऐसा है, तो सर यहाँ पे भी टेंशन ऐसा ही होना चाहिए ना। वो किस पे डिपेंड करता है, टेंशन का डायरेक्शन किस पे डिपेंड करता है? फर्स्ट एग्जांपल लिया था वहीं पे बोल, टेंशन का जो है डायरेक्शन वो डिपेंड करेगा आप कौन सा सेगमेंट कंसिडर कर रहे हैं। जैसे ये वाला सेगमेंट कंसिडर करोगे अपवर्ड दिखेगा, ये वाला सेगमेंट कंसिडर करोगे अपवर्ड दिखेगा, ये वाला सेगमेंट कंसिडर किया डाउनवर्ड्स दिखेगा। इस पे टेंशन, इस साइड वाले पे टेंशन डाउनवर्ड्स दिखेगा, इस पे कुछ होगा अपवर्ड्स दिखेगा। अगर मान लो तुम इतना पार्ट कंसिडर कर, तुम सिर्फ इतना ही पार्ट कंसिडर कर रहे हो, ये वाला यहां से यहां तक का पार्ट कंसिडर कर, ठीक है? अरे तुम लोग का लेक्चर भी है ना 12 से, है लेक्चर क्या? यस यस, जाओ फिर ज्वाइन करो। ये वाला पार्ट कंसिडर करते, यहाँ पे टेंशन इस साइड आता और यहाँ पे टेंशन इस साइड आता, ये वाला पार्ट कंसिडर करते यहाँ पे टेंशन इस साइड आता और यहाँ पे टेंशन इस साइड आता, वो डिपेंड कर रहा है सेक्शन, ठीक है? जाके ज्वाइन करो एक बार, ट्राई करो, नहीं आ रहा है तो फिर मैं बताऊंगा नेक्स्ट लेक्चर।